गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान आप सबको, जो जो मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी, पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। देखिए ना भाई, खुशी क्या है, है तो इतना पिद्दा सा छोटा सा लफ्ज, लेकिन क्या क्या दे जाता है आपको, यानी कि खुशी छोटी छोटी चीज़ों में भी तलाश की जा सकती है। जैसे कि फाल से आ जाने के बाद मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, मैं थकी हारी घर जाऊं और घर साफ सुथरा हो तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। बच्चों के रिजल्ट एग्जाम से दूर टेस्ट में भी अच्छे आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है। एकदम बहुत देर से लाइट गई हो और एकदम ये स्पार्क हो और लाइट आ जाए तो मुझे खुशी हो जाती है। किसी दिन शो बड़ा अच्छा हो जाए तो मुझे खुशी महसूस होती है। हाय हाय, जरा वजन कम हो जाए तो खुशी महसूस होती है। जरा आप लोग मेहरबान हो जाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स दे दें हमारे शो के लिए या मेरे लिए तो मुझे बढ़िया खुशी महसूस होती है। और अगर भूले बिसरे कहीं मियाँ जी तारीफ कर दें तो बहुत खुशी महसूस होती है। हाय, खाना पकाया हो मेहनत से और बच्चे ऐसे उंगलियां चाटते कहें अम्मा क्या खाना पकाया है तो खुशी महसूस होती है। तो जनाब, खुशियां तो ढूंढने से मिलती हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अक्सर खुशियां ढूंढना ही छोड़ दिया और हर वक्त उनकी सड़ी हुई शक्ल रहती है। पता है आपको, जो आप सोचते हैं वैसे ही कहते हैं आपकी शक्ल हो जाती है। जब बचपन में मैं रोती थी, मम्मा कहती थी रोया नहीं करो, रोथरी शक्ल हो जाएगी। अगर आप खुश मिजाज हैं और आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं तो आपकी शक्ल पर एक रौनक आती है और जिसको देख के लोग कहते हैं कि आप बड़े खुश मिजाज हैं। बड़ी बड़ी परेशानियाँ जो हैं वो छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिविटी तलाश करने के माहिर हो जाते हैं। खुश रहना एक आदत है जो आपको अपने आप को बनाना है। अगर आप खुश रहने का आदि अपने आप को बना लेंगे तो दुख हो, सुख हो, कम हो, ज़्यादा हो, हर चीज़ में आप गुजारा कर लेते हैं। और जनाब, ईद चाहे कोरोना की हो या कोरोना के बाद की हो, ईद तो ईद है ना, इसकी खुशी तो अपनी एक अलग खुशी है। चाहे बहुत सारे लोगों के साथ मनाएं या सिर्फ अपने फेवरेट लोगों के साथ मनाएं, तो मैंने आपसे कहा हमेशा की तरह मैं आपकी ईद आपके फेवरेट लोगों के साथ ही मनवाती हूँ, चाहे कोरोना हो या ना हो। हम अपनी ड्यूटी पे फाइज रहे और आपको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स दिखाते रहे ताकि आप घर पे बैठे। अभी भी एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना सही नहीं। हाँ, कुछ कुछ लोगों के यहाँ जाएँ, मास्क पहने, सैनिटाइज करें, सफाई रखें। ईद तो भाई ऐसे ही मनानी चाहिए और अब आपको सफाई का कुछ ज़्यादा ही एहसास होना चाहिए। तो इस ईद पर भी ये जानकर कि हम मुसलमान हैं और सफाई हमारे मज़हब में है, निस्फ ईमान है, खुदा के लिए कुर्बानी के बाद सफाइयाँ ज़रूर करवा लीजिएगा ताकि आपके घर के बाद आपका मोहल्ला भी साफ रहे और फिर आपका शहर और आपका मुल्क। आज हमने आपके फेवरेट लोगों को एक साथ जमा किया है। ये वो जोड़ी है जो आपको अक्सर जुड़े हुए नजर आते हैं, चाहे ड्रामा हो, चाहे कोई महफिल हो, चाहे कोई शो हो, लेकिन आज हमने इनको एक साथ बुला के भी जुड़ने नहीं देना, क्योंकि आज का शो हम दो टीम्स बना के खेलेंगे। यानी कि ईद का शो हम दुबाला करेंगे आपका मज़ा दो टीम्स के साथ, यानी फैसल वर्सेस एजाज। दोनों की होगी टीम्स, दोनों के पास होंगी हसीन हसीन खूबसूरत हीरोइंस, लेकिन किस टीम में है ज़्यादा दम ये जानेंगे आज के शो देखने के बाद आप लोग। तो आइए ईद मनाते हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटी स्टार्स के साथ और आपकी ईद का मजा हमेशा की तरह दुबाला करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। पाकिस्तान जी, ईद का दिन है और हमारी जिम्मेदारी है कि इस दिन को
हमने बनाना है बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, क्योंकि अगर आपकी सुबह को हम बनाएंगे खुशगवार अपने प्रोग्राम के थ्रू, तो बनेगा आपका पूरा दिन आसान। बहुत सारे काम है मुझे पता है, लेकिन ये शो भी देखना जरूरी है, क्योंकि एडवांस में बता रही हूँ आपको बहुत मजा आने वाला है। आज की गेस्ट लिस्ट क्या है? जो सबसे पहले गेस्ट है वो तो ऐसा लगता है पैदाइशी एंटरटेनर है ना, मतलब पैदा होते ही अपनी फैमिली को एंटरटेन किया होगा, और उसके बाद जैसे ही शऊर आया तो बस पाकिस्तान के लोगों को एंटरटेनमेंट की तरफ ले गए, अपनी एक्टिंग के थ्रू, अपनी होस्टिंग के थ्रू और अपनी बातों के थ्रू आपका दिल मोह लिया आज भी हमारे शो पे। और पता नहीं क्या होता है कि जब भी खास तौर पे हमारे बड़े शोज होते हैं तो उसमें एक कमी सी रहती है, अगर ये ना हो तो। इनको तो हमने पहले से ना पहले से टाइम लेके रखा होता है कि भाई ईद के शोज तो आपने हमारे मिस नहीं करने, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो कनेक्शन ARY और फैसल कुरैशी का बना है वो टूटना नहीं चाहिए। आइए वेलकम करते हैं आपके फेवरेट गेस्ट फैसल कुरैशी। मुबारक, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने हंसता मुस्कुराता, हंसता मुस्कुराता, और पिछली ईद के मुकाबले में और भी पतले हुए हैं। Really? Yes! अच्छा, मैंने तो जबकि रोका हुआ है अभी, because उस वक्त भी जिस सीरियल में फंसा हुआ था अभी भी उसी में हूँ, तो मैं ज्यादा वेट फ्लक्चुएट करना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन अब तो ईद की वजह से तो नहीं डाइट करेंगे ना आप? खाएंगे ना? ना, 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 ना बिल्कुल। क्या क्या ईद पे डाइट नहीं। क्या क्या ख्वाब सजाए फैसल ने कि बस इस ईद पर मैंने यही खाना है? ख्वाब सजाने की जहाँ तक बात है, मेरे ख्वाबों में बिरयानी आती है, और बहुत सारा मीठा आता है, और उसके अलावा कोई निहारी, कोई कोरमा, कोई बेछीटे के नान, सो इस तरह के। ये हमारे कराची में एक कम्युनिटी है दिल्ली वाले, वो बनाते हैं बड़े जबरदस्त बेछीटे के नान। अच्छा। और वो ताजे ताजे खाने के मजे आते हैं, मतलब होता है ना नॉर्मल जैसे अपना शीरमाल होता है जी जी, वही होता है, लेकिन बस उस पे घी नहीं लगाते। तो वो अगर आप लोग भी, आपको कभी मौका मिले शीरमाल बनवाने जाएं, तो उससे कहिएगा कि इस पे घी मत लगाओ और फिर उसको खा के देखिए। अच्छा, हम लोगों को खाने की ज्यादा कदर हो जाती है, मुंह बंद कर करके जिप लगा के जो हम खाने खाते हैं उबले हुए और ये वो, उसके बाद डाइट के बाद जब मैं कोई चीट करती हूँ ना, तो वो जो मुंह में लज्जत होती है ना, दिल चाहते बस वो ही खाते रहो आराम आराम से। मैं तकरीबन हर महीने में एक दिन करते हैं अब कर रहा हूँ, अब चीट करते हैं, क्योंकि वरना वो बहुत रैपिडली मेरा वेट जा रहा था। एक दिन प्रोड्यूसर साहब नाराज हो गए, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो कहने लगे कि नहीं तुम्हारी दाढ़ी चेंज हो गई, दाढ़ी चेंज हो गई, मुंह छोटा हो गया, तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, तो फिर थोड़ा सा मुंह, फिर थोड़ा सा मैंने कहा कि आ जाए थोड़ा सा। तो खाने की कदर वैसे ज्यादा हो गई हमें डाइट करने, हमेशा से कदर है खाने की, हमेशा से बिल्कुल। एक फूडी बंदा जो है उसके लिए खाना छोड़ना ओफ बहुत एक बड़ा इम्तिहान है। हाँ, लेकिन जिस वजह से खाना आ रहा है उसकी वजह से छोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। यही तो मोटिवेशन है ना। हाँ। यही तो मोटिवेशन है। आज जो है ना हमने आपका आपके दोस्त से मुकाबला कराना है बड़ा। मैं न्यूज में सुन रही हूँ कि फैसल और एजाज फिर एक साथ एक बार। हाँ, न जाने आज या न जाने कल। हाँ। लेकिन बड़ा मजा आने वाला है। ओहो, तो अब यहाँ पे भी ये एक साथ है, लेकिन क्या होने वाला है इनके दरमियान, आइए जानते हैं। अब बारी है उस गेस्ट की, वो भी बड़े मतलब लाइक ARY उनका कनेक्शन है। आप लोग एक साथ ARY में हम और मैं और तुम मैं और तुम से ये कहानी शुरू हुई थी। नहीं, दोस्ती मेरी और इजाज की पहले से थी। हाँ। इजाज आ जाए तो फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कहानी क्या थी। कहानी क्या थी ये जानने के लिए हमें बुलाना पड़ेगा जोड़ीदार, और वाकई जहाँ फैसल का नाम हो या जहाँ इजाज का नाम हो तो सोचता है बंदा अच्छा एजाज आया है कहीं फैसल भी होगा, या फैसल आया हुआ है तो एजाज भी दोनों कहीं होगा। ये हमसे हमारे फैंस पूछते हैं है ना, अस्सलाम वालेकुम फैसल। हाँ। भाई एजाज भाई कहाँ हैं? तो आइए वेलकम करते हैं सेल्फी मास्टर, एक्टिंग मास्टर, भाई मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज किया, फिर अपनी जो अपने करियर को आगे परसू किया एज एन एक्टर, और अब तो भाई बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर
तो बहुत सारे एक साथ काम करे, ये पता नहीं था कि इतने बड़े बड़े हाथों की वजह से जो ये काम भी इतने सारे समेट लेंगे। आइए वेलकम करते हैं एजाज असलम भाई। मुबारक भाई, कैसे दिन हो गए मिले हुए, साल हो गए। क्या आपकी नजर कमजोर हो गई कि ये स्टाइल है? अरे भाई स्टाइल है यार। ओहो पीला चश्मा, वाह भाई रख दिया। मर्दों के मानूर बलोच, ये किसने लिखा है? ये इसने लिखा है, मैंने लिखा था। माय गॉड, इट वाज टू फनी। एक कैप्शन दिया गया मर्दों की मानूर बलोच। नहीं वो लोग बोल रहे होते हैं ना अक्सर, तो मैंने अपने और फैसल के लिए लिखा था कि मर्दों के मानूर बलोच असली मानूर बलोच। यार लेकिन सीरियसली मैं वी वर्क्ड विद मानूर, ग्रेट एनर्जी। ओहो आई मस्ट से स्टिल आई थिंक शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन राइट नाउ। एक हसीन मतलब औरत है, रुक गई है ना वो हसीन औरत, टाइम रुक गया उनके। मैं लोगों को ये बात हमेशा कहता हूँ, मैं अपने शो पे भी ये कहता था कि ये वो लोग हैं जिनसे आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। लोग जेलेसी में जो है वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होते हैं ना, मतलब आई स्वेयर। और वो मेहनत करती है बंदी, रोज एक्सरसाइज, उसके अलावा काम की मैं अगर बात करूं, पूरा सीन याद है, पूरा सीन घर से याद करके आ रही होंगी। एक दिन पहले मानूर ने पूछा होता है कि भाई सीन कौन सा मुझे देते, सारे याद किए। वेरी नाइस, जबरदस्त। तो अब इसका मतलब कि वो जो खबर हमने सुनी थी कि एक साथ देखेंगे आप फैसल और एजाज को, फिर तो उसमें कहीं मानूर भी हमें नजर आएंगी वहाँ? जी अच्छा, मानूर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक और बड़ा जबरदस्त नाम है। हम सबकी बड़ी फेवरेट है हिना दिलपजीर, वो भी है। ओहो, और हिना दिलपजीर का जो कैरेक्टर है वो गिर जाएंगे लोग हंस। सुने वो यहीं कहीं नजर आएगा ना, पता चले मैं कहीं यही, और वालों यही, नहीं, नहीं, यही प्रमोट है, कर रही यही है। मेरी कच्ची हो जाए नहीं होगा, बेफिक्र रहे, बल्कि और पक्की हो जाएगी, और पक्की हो जाएगी। यही है, बड़ा मजा आने वाला। देखिए सुने, उसमें तो आप होंगे एक साथ, मुझे नहीं पता उसकी क्या स्टोरी है। यहाँ आपको मैंने दोनों को एक साथ नहीं होने देना, वो आप ना भी पार्टी पीछे से अंदर से साथ नहीं, यहाँ जो है सही वाला मुकाबला होगा तो ही मजा आता है, कॉम्पिटिशन ऐसा हो कड़ाके का। तो जी अब अगली गेस्ट जिनको मैं बुला रही हूँ, मैं अब जिस गेस्ट को बुला रही हूँ इतनी प्यारी सी है, चट्टो पट्टो बातें करती है, मतलब उसकी कंपनी पता नहीं चलता कि कितने घंटे गुजर गए। जब भी मेरे शो पे आती है बड़ा मजा आता है। आजकल पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है, आपके साथ काम कर रही है जी। तो अब मजे की बात यह कि हमने ज्यादातर हमारे पास आज गेस्ट वो हैं जिन्होंने एक साथ काम किया है और उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। तो अब जिस गेस्ट को मैं बुला रही हूँ, वैसे तो वो लकी है कि भाई जिस घर में पैदा हुई तो सोने का चमचा एक्टिंग वाइज भी लेकर पैदा हुई कि विरसे में मिली उसे, मगर फिर उसने अपनी जगह खुद बनाई। कम काम करती है, ज़्यादा काम नहीं करती, ज़्यादा घरदारी में अपने आप को सर्व करती है, मगर फिर भी अच्छा नाम बना लिया इतने कम काम के साथ। आइए वेलकम करते हैं हमारी हसमुख सी और हमारी लाडली, क्योंकि पहले तो वो एक ऐसे अब्बा की बेटी है जिनको हम सब बहुत प्यार करते हैं, मगर फिर उसने भी अपनी हरकतों से हमें अपना बना लिया। आइए वेलकम करते हैं मोमल शेख। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अभी तक मोमल ने काम नहीं किया था फैसल एजाज के साथ, अब कर रही है। मेरे साथ कर रही है। हाँ, आपके साथ जी। और एजाज आपके साथ क्या? मेरे साथ नहीं क्या? अभी तक वो देते ही नहीं है चांस। हमारे दोस्त की बच्ची है ना, हम ज्यादा ये लिफ्ट ही कराती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। और अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि शायद इनको भी नहीं पता होगी कि लेकिन मेरी ड्रीम थी कि मैं फैसल भाई के साथ काम करूं। अभी भाई हटाना पड़ेगा क्योंकि बट आपको मैं बता नहीं सकती बिकॉज बचपन से तो नहीं, इनका भी बचपन ही था, हमारा भी बचपन ही था, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इतना वर्सेटाइल एक्टर हमारे पाकिस्तान में फैसल कुरैशी के अलावा कोई नहीं। मेरा हो गया, मैं निकलता हूं। बल्ले बल्ले। मुझे जब पता चला कि मेरे कोस्टार फैसल कुरैशी हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, एंड आई वाज लाइक वाओ ड्रीम कम ट्रू। मैंने भी इतना चिल्ली जैसा काम किया है वैसे आपके साथ, मेरीन के साथ, और इतना मजा आएगा आपको, इतना ज्यादा बहुत मजा आया, और सीखने को आपको इतना मिलेगा। अब थोड़ा एजाज भाई दे ही दें,
दो बच्चे खुशहाल घराना और अब ये काम पे लग गई है ना, मतलब कितने कितने ड्रामों की ऑफर आती थी और अब जो है आप शुरू हुई है थोड़ा देखना पड़ता है ना, घर भी देखना पड़ता है, काम भी देखना पड़ता है, थोड़ा सा मैं एक साल में एक कर लेती हूँ ना, वो एक मैनेज हो जाता है और वो एक एक जो एक अर्ज होती है एक्टिंग की वो भी पूरी हो जाती है, वो भी पूरी हो जाती है, लेकिन बच्चों को भी देखना है साथ साथ, आप घर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, अगर नादिर ने इजाजत दी है तो कभी बोलता नहीं है, बट आई नो कि उसको पता है कि मोमल घर को भी हैंडल कर रही है दोनों दोनों और काम भी हैंडल कर रही है, तो दोनों दोनों हो जाएगा। जितनी भी ऐसी लड़कियां ना जो माएं भी हैं, मतलब हम भी बाप हैं, लेकिन जो माएं भी हैं और हीरोइंस भी हैं, इनके साथ मैंने काम किया है, बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके बच्चे भी हैं, उनके मैं इतना एंजॉय करता हूँ कभी कभी, मतलब एज अ फादर हमारी वो जिम्मेदारियाँ नहीं है जो माँ की होती है, तो खाना खा लिया, फला हो गया, अच्छा होमवर्क हुआ है, नहीं हुआ है, होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये वाली सारी चीजें जो सारी लड़कियां कर रही होती हैं। नहीं और ये भी तो बात होती क्या है कॉन्स्टिपेशन हो गई है ये भी हो गई है, वो वाली चीज पिला दो। कल जैसे इब्राहिम को चोट लग गई थी, हम सीक्वेंस कर रहे थे और उसको चोट लग गया, वो कह रहा नहीं मामा आएंगी तो मैं साफ करवाऊंगा, ये तो बट ये होता है, ये ये मेरे ख्याल से हर कोई इस जो आप भी मेरे ख्याल से सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि वर्किंग वुमेन जितनी भी हैं, जितनी भी हैं, दे गो थ्रू द सेम थिंग, राइट? ये तो खैर, तो डबल जिम्मेदारी। और मैंने सुना है भाई इनकी अम्मी बता के गई थी कि तो जब अपने घर में नए घर में शिफ्ट हुई है, बड़ी बड़ी सलीका शार बेटी वाकया हुई है, तो घर को बड़ा सजाया हुआ है, जैसे खुद सजी सवरी नजर आती है। अभी हमारे साथ जो है ना उन्होंने उनका घर ज्यादा अच्छा सजाया है। ओहो जबरदस्त भाई, वो भी मेरी काफी पुरानी दोस्त है। यस और ये जो बच्चों उसने मुझे पेंटिंग नहीं बना के नहीं बना के दी, और ये कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को साथ लेके चलना एक्टिंग करना। अभी मैं जिस एक्ट्रेस को बुलाने वाली हूँ वो होस्टिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, पेंटिंग भी करती हैं, इंटीरियर्स भी करती हैं और अपने बच्चों की परवरिश, तो कोई मैं मतलब मेरे तीन बच्चे हो चुके हैं और मैं उनसे सीनियर अम्मा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी उनसे बच्चे पालने की क्लासेस सीखनी। एक्टिंग उस हालत में भी की जब होने वाला था। हाँ मतलब माशाल्लाह जख्म में इन फैमिली में थी वो जब। तो आइए वेलकम करते एक स्ट्रॉन्ग, मैं कहती हूँ स्ट्रॉन्ग माँ बीवी एक्ट्रेस और बहुत ही प्यारी दोस्त सरबत गिलारी। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जवार दूं मैं प्यार में, बंदे है तेरी ये बातें। कैसी है? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी है सरबत? बिल्कुल ठीक। ओए मोमली तू तेरी बोले 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 जैसे मैं और इजाजत जैसी कैसे है? हम तो नहीं मिले ऐसे, हमारी दाढ़ियां पड़ी हुई है ना सर। योर लॉस, योर लॉस। क्या करें भाई, आपका क्या, आप यहां खड़ी हो ना, आपका कैमरा वो है ना। अच्छा मेरा कैमरा ये, हां यहां आएंगी ना आप तो फिर आपका क्लोज बनेगा वहां से, ठीक है, और हमारा यहां से, ठीक है ठीक है। हाँ जी ये बताएं भाई कैसी तैयारी चल रही है ईद से पहले? बड़ी मैं देख रही थी ईद के कुर्ते और ये वो, फुल वीडियोस बना बना के मजे मजे की चीजें, स्टाइलिंग ये सब चल रही थी। हम तो मौका ढूंढते हैं सेलिब्रेट करने का। हाँ ये वही मैं कहती थी कि खुशी जो है वो छोटी सी होती है, छोटा सा लफ्ज है पर कहीं भी मिल सकती है। बिल्कुल, और हर जगह ढूंढने से मिलती है आई थिंक खुशी। आई थिंक जो आपके डाउन मोमेंट्स भी होते हैं उसमें भी आपको खुशी और उसकी मेमोरीज आपको यू नो अफ्लोट रख रही होती है। मुझे तो अच्छा लगता है हर संडे तुम लोग जाते हो पिकनिक पे। हाँ समंदर में जाते हैं अपने बच्चों के साथ। हाँ अच्छी बात। वी आर एक्चुअली दे लव वाटर एंड वी लव वाटर, तो हम एक मछली की मखलूक बन जाते हैं उधर जाके, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। आई थिंक हम लोग पूरे हफ्ते इतना बिजी होते हैं फहाद और हम लोग सब, आई थिंक ऑल पेरेंट्स हु वर्क, कि वो संडे जो है वो फैमिली डे ही हो सकता है। और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और जिस दिन संडे को शूट का बोलते हैं तो फिर बस बहुत जहर लगते हैं ना। हाय 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 जहर। तो अभी ईद की ज्यादा छुट्टियां आई है ना, तो अभी भी कोई समंदर वमंदर पे जाने का प्लान है? हाँ क्यों नहीं, लेकिन समंदर पे बहुत लोग आजकल जा रहे हैं।
तो हो ये रहा है कि वो गाड़ियां बीच में पार्क कर देते हैं हाँ। और उधर ही अपना पिकनिक भी करते हैं, और थोड़ी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एंजॉय करें हाँ। ताकि आपकी एंजॉयमेंट से दूसरे की एंजॉयमेंट खराब ना हो। ये तो अगर आप गाड़ियां सही पार्क करेंगे, सही उस पर जाएंगे, कोशिश कर सकते हैं फैसल। हम हर साल कोशिश करते हैं कि अच्छी बातें करें ताकि हम भी उस पे इंप्लाई करें और लोग भी सरबत ने जो बात किया ना वो इतनी प्यारी बात है। लाइफ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड नथिंग एल्स। दैट्स ट्रू। जिंदगी है तो खुश रहना चाहिए। लेट्स बी हैप्पी। खुश हो जाओ। ईद का दिन है, ईद का दिन है, हम खुश हैं। हर ब्रेक पे जाने से पहले एक जैज़ी डांस करते हैं। अच्छा यार, जैज़ी तो वहीं से पहुंच जाता है। अरे मुझे एक बात की बड़ी परेशानी होती है ना, सरवत का मियां जो है माशाल्लाह प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर, और वो भी फिर हर वक्त सरवत तुम्हें देखता होगा, सरवत ये तो गड़बड़ नहीं है, वो तो गड़बड़ नहीं है, मतलब तुम्हें कभी कभी ये तंग नहीं होती तुम इस चीज़? मैं होती हूँ, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। इसमें सबका फायदा है, हम सबका फायदा है, यू नो। बट यू नो व्हाट, फहद कहता है कि मेरा फेस बहुत सिमेट्रिकल है और वो कोई मेजरमेंट्स होती हैं उसके लिहाज से ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभी मैं बड़ी ज़रूरी बात कर रही होती हूँ, रोहान के एडमिशन फीस की या कुछ, तो वो बात करते करते ना मोमल जैसे ही हो जाएगा, अच्छा एक सेकेंड, फिर यूँ आएगा, यूँ देखेगा, फिर कहेगा अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ तो ये तुम ऐसी हो जाओ। मैं कहती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा हमारे साथ भी ये करता है वो। I swear, वो सबके साथ जो फ्रेंड्स हैं जिनसे वो बात करना चाहता है, जो समझता है कि वो ओपन है, लेकिन वो उसके साथ मैं रिसेंट इंटरेक्शन हुई है, वो बड़ा एक वाहिद इस तरह का डॉक्टर है, जब देखेगा कहेगा छेड़ा नहीं, जो चीज नेचुरल है उसको छेड़ना नहीं। दैट्स ट्रू। फहद मना भी बहुत करता है अपने मरीजों को, और मुझे भी कई बार में अटेम्प्ट होती है कि अच्छा लिप्स या यू नो कुछ कर ले, तो वो कहता है ओवर नहीं, ओवर इट इज, कहता है जो अल्लाह मियां ने बनाया जितना उसको आप वैसे ही मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा भाई, क्योंकि हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, तो वो एक ऐसी डॉक्टर भी आज हमारे साथ है जो है, तो डॉक्टर यार हम सब लेने जाएंगे उस डॉक्टर, है ना। मतलब डॉक्टर सुन के होता है कि कोई ड्राई पर्सनालिटी, कोई बोरियत वोरियत टाइप चीज, लेकिन फास्ट देखकर, और ये वाली जो डॉक्टर है इनको देख के ऐसा कुछ नहीं होता, बड़े सालों तक ये आपको एंटरटेन करते रहे। आदमी होता है ना, डॉक्टर इज हैंडसम, कीप द एप्पल अवे। डॉक्टर अगर ऐसा हो तो बिल्कुल सही कहा फैसल ने कि लोग बीमार खुद होके इनके पास पहुंचेंगे। बड़े अरसे तक ये हमें एज अ होस्ट एंटरटेन करती रही, फिर एक्टिंग करना शुरू की भाई। पहली दफा फैसल के साथ एक्टिंग की है, और उसके बाद मेरे साथ भी कर चुकी है, पहले आपके साथ भी कर चुकी है, मेरे साथ भी पहले मेरा और मेरे साथ भी कर चुकी है, मेरे साथ भी एक्टिंग कर चुकी है, और आपके साथ, और अब फिर कर रही है, सीट पर आप देखेंगे फिर से। तो आइए वेलकम करते हैं इतनी सारे टैलेंट्स की मालिक, और तू मतलब खूबसूरती में तो उनका मुकाबला ही नहीं है। हटो बचो, बुलाते हैं शाइस्ता लोदी। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जावार तू अभी कह रहे थे ना कि मतलब लाइक इन डॉक्टर साहिबा के पास जाने के लिए तो लोग जान के बीमार होके जाते हैं। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, सारे आपके सामने हैं भाई। हाँ, हम यही कह रहे थे कि अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है भाई, एज ऑलवेज। शाइस्ता ज्यादा हैवी जोड़े नहीं पहनती ना, जब पहनती है आज तो मैंने सोचा कि ये तो यार आज तो कुछ रिकॉर्ड टूटा है। जब मैंने पहन के मैंने देखा, मैंने कहा ओ, और कोई और ऑप्शन भी नहीं था, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ईद पे चलता है। क्या अच्छी एक्टिंग कर रही हो तुम, बहुत बहुत शुक्रिया। रोई है बंदी, परदेश, यस, ओह जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कैरेक्टर बनाया। मतलब क्या कैसे हो गया, एक्टिंग की है भाई प्रॉपर। यार वो लोग रिलेट करते हैं ना कुछ कहानियों से, इन तो को तो मालूम है कि जो जिस ड्रामे में आप औरत को रुलाएंगे वो ड्रामा हिट होगा। नहीं, लेकिन ये सिर्फ रोने की कहानी नहीं है, आपने परफॉर्म उसको बहुत, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है कैरेक्टर के अंदर, यस, कैरेक्टर के अंदर, यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि ईद पर एक जरा लंबी छुट्टियाँ आई है ना, तो ईद पे तो नहीं तुमने टाइम दिया पेशेंट्स को कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुना हमारी स्वेलिंग वगैरह होगी तो हम ईद पे ही करा लेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में जितने लोग होते हैं ना वो ईद पे कराते हैं, वो कहते हैं ईद के फर्स्ट डे या सेकंड डे कर लो क्योंकि चार दिन छुट्टी लो रहेंगे, थोड़ा छुट्टी है डाउन टाइम। आई कैन सेकंड दैट। तो फिर शायस्ता हाँ ना यार, ये कहानी तो यहाँ पे भी। तो शायस्ता फिर सुबह का नाश्ता और खाने के बाद रात का टाइम देती हो तुम के भाई आप 8 बजे के बाद आएगा डिनर विनर। हाँ, पेशेंट्स को और ऑब्वियसली जिनके प्रोफेशंस ऐसे हैं जो उस तरह से रिवील नहीं कर सकते तो वो तो ऑब्वियसली रात को। तो फिर डॉक्टर साहब ये वाले इमरजेंसीज भी होती है ऐसे ही, मैं अगर कभी 3-4 बजे घर आऊँ तो मैं अम्मा से कहती हूँ मैं 5 बच्चे डिलीवर करा के आ रही हूँ, इस कदर स्ट्रेस होती है। ऑब्वियसली आप एक ऐसे लोगों के करें जो थोड़ा बहुत भी इधर उधर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और बड़ा स्ट्रेन्यूस होता है आई थिंक आप लोगों का काम बड़ा। और कोई और पॉलिटिशियन कोई पॉलिटिशियन कोई बड़ा आदमी किसी की कोई गड़बड़ हो गई तो आप लोग आए वाले ना इसको कुछ कर भी नहीं सकते, बाजू में आते टीका लगा सुनिए क्या हमें ऐसे लग रहा है अस्पताल को चुए हुए ईद की सुबह है, हम क्या इंजेक्शन और इसकी बातें कर रहे हैं, अजीब हो गया है कुछ। चलो हाँ जी, अब नेक्स्ट गेस्ट को बुलाते हैं जिनको इस फील्ड में आए हुए कोई 6-7 साल हुए लेकिन अभी तक वो कभी भी मेरे ईद के शो पे यहाँ नहीं आए। उन्होंने इन सब लोगों में से सिर्फ मोमल के साथ काम किया हुआ है मगर अब आज के बाद वो फिर इन सब के साथ भी शुमार हो जाएगा कि इन्होंने काम किया है। बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, हमारे शो पे बड़ी मस्तियाँ भी की हैं हम लोगों ने इकट्ठे और आज वो हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने आई हैं। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड अरूबा मिर्जा। दिल है मेरे जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे रहे। ये भाई रूबा है, मुमल तुम्हारे साथ तो इन्होंने काम किया हुआ है। यस, फैसल, एजाज, सरवत और शाइस्ता बहुत सारे गेस्ट की यहाँ पे ही दोस्ती होती है हमारे शो पे ही। तो ये है अरूबा। अरूबा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी। तो भी क्या चल रहा है कराची की ईद कैसी है? तुम लाहौर से हो ना? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से हो तो तुम्हें क्या डिफरेंस लगता है कराची की ईद और इस्लामाबाद की ईद में? थोड़ी खामोशी वाली ईद होती है। अच्छा। यहाँ पे हल्ला गुल्ला हो और गंदगी उतनी मचाते हैं जितनी हम कराची वाले मचाते हैं? नहीं, 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 नहीं होती है। इतनी ज्यादा गंदगी नहीं होती। अच्छा, थोड़ा सा वो सफाई का ख्याल आदि है ना माशाल्लाह। हम लोग तो सख्ती भी होती है ना, सख्ती भी है। ओके ओके, कैपिटल है। हाँ, तो आपका शुमार उन लोगों में होता है जो गोश्त वगैरह खाते हैं कि लाइक आप भी सब्जी खाती हैं? नहीं, बहुत ज्यादा गोश्त खोर नहीं हूँ लेकिन टिक्के शिक्के अच्छे लगते हैं। टिक्के चे बोटी वोटी बारबेक्यू वगैरह। और कुछ खुद भी पकाती हो ईद के दिन की? नहीं नहीं नहीं। अच्छा भाई सुने भाई, यहाँ पे टीम बनेगी, फैसल और एजाज आप जरा इधर आए ना दोनों जरा। कभी आपने खो खो खेला है? पिट्ठू बारी खेला है? है ना, याद है ना आपको क्या होता है? अच्छा अब आप सीधे खड़े हुए ना ऐसे, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आप अपना हाथ उधर रखेंगे मुट्ठी बना के आए। हाँ, अब आप पहली या दूसरी जो भी, देखो ना मैं बचपना आ गया ना, मतलब पहली या दूसरी जो भी बारी आपको चाहिए वो करें। आप अपनी उंगलियों से एक या दो यूं करते थे ना? जी नहीं। क्या है? हाँ करें ना। ओके, ये वाली बारी आप लेंगे या एजाज को देंगे? ये वाली बारी एजाज की। ये वाली बारी एजाज की, दूसरी बारी एजाज की। लाइए जी ताली, यू करें आप। अब आप
कौन सी लड़की, कौन सी हीरोइन आप अपनी पार्टी में जाते हैं? सरवत। ओहो सरवत, तुम तो गई। ओके लाइए जी, कौन सी हीरोइन आपकी पार्टी में चाहिए आपको? शाइस्ता। ओए हाय, तो गई, उल्टा पुल्टा हो गया। लाइए जी अगली पार्टी। नॉर्मल। ओहो उसकी चाहिए। ओए ओए ओए, पार्टी उल्टी हो गई सारी। आ जाओ आ जाओ, कौन यहां? आ जाओ, तो डिसाइड किया तुम लोगों ने, डिसाइड किया हमने कहा जिस भी साथ होंगे साथ हो गया। देखिए तो डिसाइड ये हुआ कि फैसल की पार्टी में है जो हीरोइंस वो है सरवत और मोमल, और एजाज की पार्टी में जो हीरोइंस हैं वो है भाई, अब तो शाइस्ता, आप डॉक्टर साहब, हम तो हीरोइन कहेंगे आपको। शाइस्ता को कोई हरा ही नहीं सकता, जी तो पाकिस्तान में ही हम प्रूव हो चुका है। तो बस भाई देख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी। एजाज की पार्टी में शाइस्ता और अरूबा, और अब देखते हैं कि इस ईद का मजा कौन सी पार्टी दोबारा करती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक में हमने करवा दिया ना जबरदस्ती करके। फैसल कुरैश, मुझे ये आप मुझे ये बात उड़ी हुई थी ना, फैसल और एजाज को देखिए एक साथ, वो इसीलिए थी। सारा यही ले लेना। नहीं नहीं नहीं, क्या ड्रामे में बड़े फटे हमारे। हाँ ओए होए, तो ये एजाज और फैसल जो है ये आमने सामने है, दो हीरोइंस सरवत एंड मोमल है फैसल की पार्टी में, एंड अरूबा एंड शाइस्ता है एजाज की पार्टी में, सही है ना? ओके अभी तो मैं जरा वार्म अप करती हूँ, जरा आहिस्ता आहिस्ता हम मुकाबले की तरफ चलते हैं। जो मैं इस वक्त आप लोगों से सवाल कर रही हूँ उसके अगर मज़े मज़े के जल्दी जल्दी जवाब आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप किसी लिफ्ट में फंस जाएं तो अपने साथ किस और सेलिब्रिटी को फंसाना चाहेंगे? आतिफ असलम, बहुत अच्छा म्यूजिक सुनती रहूंगी, बोरी नहीं होगी, बोरी नहीं होगी। जी एजाज। एक हुमायूं हो सकता है। हाँ हुमायूं तो कम बोलता है, हुमायूं कम बोलता है, बोर हो जाए। नहीं, और एक अदनान। ओए होए ओए होए, अपने अपने आप लोग अपने वक्तों की बातें करेंगे, जब हम बच्चे होते थे ना तो खत्म ही नहीं होता यार, ये होता था। अरूबा तुम क्या करोगी, तुम किसको चूज करोगी भाई? शहर के साथ। शहर? शहर मेसा ड्रामे में है। अच्छा तो वो बहुत बोलती है। पूरा नाम बताओ ना। शहर खान। अच्छा शहर तो वो बहुत पटाखा है, तो उसके साथ आप बोर नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए वो आपको बोर नहीं होने देते। अच्छा हाँ भाई, वैसे मैं एक और नाम बताना चाहूंगी प्लीज। अच्छा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, बड़ा मजा आएगा। चपेड़ा ही ना पड़ जाए, लिफ्ट फंसेगी नहीं, फिर वो कहीं मुक्के शुक्के मार के वो निकाल लेंगे आप। ये चपेड़े पत्तियां झपियां नॉट अलाउड। सरवत तुम बताओ यार। सरवत मोमल और फैसल बताओ यार। मैं तो हाँ मेरी टर्न है, मैं फंसना चाहूंगी वासे चौधरी के साथ। फिर आप जवानी फिर नहीं आनी, पार्ट थ्री शुरू कर देंगे। नहीं हम एक कोई नई चीज लिखेंगे, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें लिखते हैं। आई थिंक ये बेस्ट तरीका है उनको पकड़ने का, बिकॉज वैसे तो वो हाथ नहीं आते, तो उनको फंसा के ही हाथ ला। अरे यार मैं सलमान इकबाल और जेजे को आइडिया दे देती। हाँ जी फैसल, मैं तीन लोगों के साथ फंसूंगा। अच्छा एक नवीद रजा, एक फैजान शेख, तीसरा आदि। ओहो बंद लिफ्ट भी चल पड़ेगी। इतनी एनर्जी होगी उस लिफ्ट के अंदर, ये तो सही है। सही बात। मोल तुम क्या करोगी? यार मैं तो सोच रही हूँ कि शेरू के साथ फंस जाओ, है ना? हाँ। शेरजाद के मेरी डायरेक्टर है। अच्छा हम उनके साथ काम, अगले तीन ड्रामे सुना देंगे। बड़ी बातें करनी है उनसे जो सेट पे नहीं हो पा रही है, लिफ्ट पे बैठ के करूंगा। ओके जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा चलें, आपको बनाया वजीर आजम, तो आप सदर किसको मुंतखब करेंगे? तो मुझे ही करेगा क्या? मैं तो तुझे बनाऊंगा, काम तो तूने कुछ करना नहीं है। ऐसे को बनाए जो काम करे। हाँ वैसे मैं इसको कह रहा हूँ। अच्छा। मैं तो चैनल हेड्स को बना दूंगी सदर। एंटरटेनमेंट। ओहो और तुम क्या कर रही हो सरवत? मुझे लगता है एक जो हैज बिन पॉलिटिशियन हो उनको दोबारा सजा देनी चाहिए, दोबारा उनको सदर बनाओ। शहर को तो नहीं बनाओगी? किसी को भी बना दूंगी, मतलब लाइक कोई भी चलेगा, वो भी समझ आएगा कि ये कैमरा मैन है ना, हमारे ये बैठे रहते हैं हर वक्त।
खड़े हो गए पीछे से ऑर्डर आता डायरेक्टर साहब कहते सुने क्लोज चाओ इनको ले जाओ शकील भाई एंड ठीक है शकील भाई को ये अपनी सीट नहीं छोड़ते ये फिर अगले 10 साल सदन हाँ भाई एजाज आप किसको बनाने वाले तो ख्याल में हम खान साहब को ही बनाएंगे दोबारा अच्छा ओहो सही है भाई वो अपना टाइम पूरा कर ले उसके बाद सदर बना उसके बाद सदर बना वेरी गुड शाइस्ता क्या करेगी अच्छा मैं प्राइम मिनिस्टर तो वही रहेंगे खान साहब जिब्रान नासिर को प्रेसिडेंट बना दूं ओके सही है भाई बहुत लड़ेगा भाई खैर है लड़ सही लड़ता है अच्छा लड़ता है सही लड़ते हैं हां ये बात सही है हां ये बात सही है अच्छा आपको लगता है कि शूटिंग पे आपकी गाड़ी बार-बार पंचर हो जाती है तो आपको किस सेलिब्रिटी पे आप शक करेंगे कि ये जो पंचर मेरी गाड़ी करता है या करती है वो ये है मुझे लगता है मोमल होगी मोमल नहीं चाहती कि मैं घर जाऊं अभी तुम लोगों ने कहा कि भाई यहां के नाम नहीं लेने अच्छा अब किसी और को ढूंढो मुझे लगता है यासिर भाई होंगे कोई नाम ही लेने तो यासिर भाई क्यों यासिर नवाज हो गया भाई उसके ऊपर फिल्म बन जाएगी मुझे लगता है हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं बिकॉज़ एक थैंक्सलेस जॉब है हमारे इंडस्ट्री में जो हमारे एसोसिएट्स होते हैं सबसे पहले आते हैं सबसे पहले आते हैं सबसे ज्यादा गालियां खाते हैं डायरेक्टर की भी सुनते हैं एक्टर की भी सुनते हैं प्रोड्यूसर की भी सुनते हैं एडिटर की भी सुनते हैं तब के गाड़ी वही पंचर करेगी सबसे एंड में जाते हैं वही करेंगे कार्ड्स भी ग्रैब करवाते हैं फिर उसके बाद घर जाते हैं और फिर सुबह आ जाते हैं तो वो मुझे लगता है वो हमारी गाड़ी पंक्चर कर सकते हैं कि ये दो तीन सीन और निकाल जाए गुड आंसर भाई सही है मोमल तुम्हें क्या लगता है शेरी शहजाद कर देगा बैठो घर पे बैठो नहीं नहीं घर पे बैठो या सेट पे बैठो घर ना हमारे बेल बजाके टिंग 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 दवा करा के वो करवा देगा ओके ओके भाई हाँ शाइस्ता तुम्हारी गाड़ी कौन पंचर करे सुनो ईद पे अगर वायरल ना हुआ तो फिर क्या हुआ तो हीरा माने हीरा कर सकती है वेरी नॉटी वो यहां ही है वेरी नॉटी है ना शाइस्ता ने कहा मेरी गाड़ी पंचर हीरा माने कराएंगी फिर वहां से कुछ आएगा फिर यहां सब आएगा हाँ, कुछ होना हाँ, चाहिए वायरल तो होना चाहिए आजकल फैशन में है आजकल फैशन में ट्रेंड बेचारा एक्टिंग कर करके थक गया वो बंदा सारी चीजें छोड़े ही जरा पूछे हीरा माने के साथ कुछ हुआ है आपका नहीं तुम लोग पक्का वायरल कराने के फुल चक्करों में हो नहीं वैसे करूं तो यासिर हुसैन ओहो वो शरारती है बहुत और वो करके ना फिर कहेगा एजाज भाई प्यार भी किया मोहब्बत बड़े प्यारे लगते हैं अली अंसारी अच्छा अली अंसारी वो भी इतना शरारती है बहुत शरारती है ओहो हैं अली अंसारी बहुत शरारती है वो सेट पे नहीं होता हमारे सेट पे खामोशी होती है उदासी होती है सबूर सुन रही हो तुम सुन रही हो सबूर शरारती है इनके सामने तो बड़ा सोबर है वहाँ की शरारत करता है सबूर जरा नहीं वो शायद रिस्पेक्ट में करता होगा ना इसपे हमारी रिस्पेक्ट में नहीं करता कवर नहीं करें अभी वायरल होने की बात है बहुत बहुत प्यारा बच्चा है बड़ा अच्छा बच्चा है मजाक कर रहे हैं बहुत अच्छा है सबूत बहुत अच्छा है अच्छा आप लोग जब गाड़ी चला रहे होते हैं गाड़ी के मतलब दौरान होते हैं तो रेडियो शेडियो लगाते हैं उस पे गाने वाने लगाते हैं आजकल तो अपनी कलेक्शन चलती है तो अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि रेडियो से किसी सेलिब्रिटी को एक्सचेंज कर ले मतलब जो इतना बोलने वाला सेलिब्रिटी है जिसके साथ आप काम करते हैं आप कहेंगे भाई उसकी बातें इतनी मजे की छोड़ो रेडियो छोड़ो गाने वो बजना चाहिए मुनीब भट्ट मुनीब भट्ट सही है तुम्हें हुमायूं अशरफ वो भी ऐसे ही है हाँ रेडियो जैसा बिल्कुल ऐसे ही है उसके साथ हर तरीके से आप बात करें उसके बाद हर बात का जवाब होगा तुम तो साहिर को ही बुला लोगी बेस्ट ऑप्शन है बेस्ट है वो बेस्ट ऑप्शन है अरफन मौला मतलब गाना भी सुनाएगा बातें भी करेगा मशवरे देगा हाँ मगर मैं उस तरह बात नहीं कर सकूंगी एक रिस्पेक्ट आ जाती है भाई वाली हाँ तो नादिया खान सही है अच्छा ऑप्शन है ना अच्छा ऑप्शन है हाँ हाँ मेरे अनवर मकसूद साहब अच्छा काम की बातें करेंगे मजा भी आएगा एंजॉय भी करेंगे साथ साथ ये सही है वैसे याद मैं सोच रहा था मुझे लगता है तलत साहब
क्योंकि दो चार बातों में मंजिल आ जाएगी। जी सरवर, मैंने सोचा ज़िया मुईउद्दीन साहब कि उनकी बातें तो फिर आपको दिल भी हल्के नहीं आए तलत साहब के ड्राइव खत्म नहीं हो तो हम तीनों साथ ही चलेंगे। देखिए ना आर्टिस्टिक सरवत जो है वो दूर की सोच के आती है भाई। यार नहीं वो डिलीवरी वो तलफ्फुज क्या सीखना कोई लगा यार। उनकी जो एलोक्वेशंस है वो क्या अमेजिंग कमाल। सो तुम अपना कोई भी सफर रायगा नहीं जाने दोगे भाई। जरूरी है कि रेडियो पे सही है लर्न। हां लर्निंग कुछ ना अमेजिंग। तुम तो मुनीब से फिर अमल की बातें होंगी और वहां तुम्हारे बच्चों की बातें। सबसे पहले जवाब मैंने देना था तो फिर मैंने दे दिया। फिर अगर चैनल चेंज करने का ऑप्शन हो तो फिर बुशरा अंसारी उसके। हां दैट्स स्वीट। हां सही है भाई बड़ा मजा आएगा। बातें बहुत करते हैं मुनीब लेकिन चैनल में आप उमर भाई को भी लगा सकते हैं अगर आपको फन चाहिए तो। ओहो उमर शरीफ साहब ये तो चैनल शुरू हो गए भाई रेडियो के चैनल। यस ली हम वहां पहुंच गए हम इमेजिन कर चुके हैं ये चीज। ओके जी अच्छा अगर आपने जिंदगी में वैसे तो माशाल्लाह बिजनेस कर ही रहे हैं आप लोग अपने अपने हिसाब से कर ही रहे हैं लेकिन अगर कोई और बिजनेस प्लान किया तो बिजनेस पार्टनर के सेलिब्रिटी को चूज करेंगे? ये मसला है मेरा तो सामने बैठा हुआ इसको बड़ी समझ है। मैं तो शाइस्ता को चूज कर लूंगी। मैं भी इसको भी बड़ी बिजनेस की समझ है। मैं भी निदा को चूज कर लूंगी। मुझे नहीं समझ बिजनेस। आप सब अगर एक दूसरे को चूज करें तो मैं और मैं चूज कर लेंगे। डन अरुबा को कर लूंगी। नहीं अरुबा अरुबा शकील भाई आपका तो हो गया। लो भाई शकील भाई बिजनेस प्लान बता दो। ये सोचे करना क्या है? This was too funny शायद का। वो मैंने इसलिए कि वो चल रही है ना कंटिन्यूटी। शकील भाई को भी दिखा दो यार। पता चले टाइटल I know इन हो रहा है आउट हो रहा है डायरेक्टर उन्हीं से आ रहा है उन्हीं से जा रहा है। अच्छा नहीं अब हमने आपस वालों को चूज नहीं कर रहे। चलो अब सीरियसली मैं फिर से ये जवाब दे रहा हूं। अच्छा दो सलमान इकबाल के साथ। ओ जीत गए निकल गए खुदा के हो गया सबका। अच्छा सलमान इकबाल ले गई यार भाई जीत गई भाई यार ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई। थैंक यू मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी यू नो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह हम भी जेजे को ऑनररी पार्टनर बनाएंगे। मैं जेजे को पार्टनर नहीं बनाऊंगी मैं अपनी कंपनी का सीईओ रख लूंगी कंपनी खुद ही आगे बढ़ जाएगी। अच्छा भाई नेक्स्ट सवाल ये कि अगर आपको दोबारा स्कूल जाना पड़े दोबारा एक क्लास एक साल पढ़नी पड़े तो आपकी क्या ख्वाहिश होगी कौन सी सेलिब्रिटीज आपके क्लास फेलोज हों? ओए बड़ी लंबी लिस्ट है। अल्लाह आप तो नवीद रजा और फैजान आदि तो होंगे। मुझे पता है मैं को एजुकेशन में पढ़ा। हाँ तो सही है आपको इजाजत है। सेलिब्रिटीज चूज करेंगे जिनके साथ और फिर उसके बाद पांच छह साल बाद जूनियर आएगी सना। पाँच छह साल का मजा तो लेने दो भाई को। कम से कम जी हाँ सरवत कौन होगा आपकी क्लास में? मैं अली जफर और आतिफ असलम को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखूंगी उस क्लास में कि मैं कभी बोर ही ना। सो आई थिंक दीज टू पीपल ये तो होंगे आपके क्लास में। जी फैसल वो को एजुकेशन में कौन कौन होगा? ना पूछो भाभी छोड़ दे जाने। मैं जवाब दूं? हाँ जवाब दूं इनके लिए अपने लिए जमा कर लेते हैं इकट्ठे पूरी गाड़ी से पहले 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 इनके लिए फिर अपने लिए नहीं और कोई ना हो क्लास में तो अच्छा हो पक्का। हां पता तो चले पक्का। भाभी गोश्त के हिस्से बना रही है नहीं देख रही है। अच्छा ठीक है चले हमें बता दे। मेरी क्लास पहले तो एक ही होगी। कौन? माहिरा। माहिरा तो मेरी क्लास में आना चाहिए। यार मैं भी तुम लोगों की क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। आई डोंट माइंड। मुझे आपको तो नहीं पता मुझे अब ये पता कि आप जरूर मेरी क्लास में आना चाहेंगे। कौन? हाँ जी कौन होगा आपकी क्लास भाई में? मेरे तो सारे पहले दोस्त होंगे उसमें हुमायूं होगा अदनान होगा फैसल होगा फिर चीटिंग कौन कराएगा सारे आपस में करेंगे।
यासर हुसैन होगा, नादिया खान होगी, शाइस्ता होगी और हम मर गए सरबत होगी। हम नहीं है, हम नहीं है। वो बोला तो है सरबत होगी। अच्छा ओके, एडमिशन ओपन हो गए या तो एडमिशन क्लास के टीचर होंगे जे जे। क्लास टीचर कौन है? जे जे। बेटा ये साल तो फेल हो गए। वो तो आप 100% भी सही कर देंगे, कहेगा ये क्या राइटिंग गंदी है तुम्हें, उस पर फेल कर देगा। हाँ जी, रुबा तुम्हारी क्लास में कौन होगा? यशमा। ओहो, यशमा सही है भाई, खुद भी पढ़ेगी, तुम्हें भी पढ़ाएगी, जबरदस्ती पढ़ो, पढ़ो, पढ़ना अच्छी बात है, खबरदार जो तुम्हारा पेट निकला, एक्सरसाइज पे जाओ। और दो बिल्लियों को, दो कुत्तों को साथ लेकर आएगी। हाउ क्यूट। आपने नहीं बताया, आपकी क्लास फेलोज हम तरस रहे हैं सुनने के लिए। हो गया बस। मायरा तो हो गई ना, और भी बताएं। ईमान और भी चाहिए। मायरा, ईमान अली और कौन कौन है भाई? नहीं नहीं, जहां मुस्लिम है, हिमायूं तो है ना क्लास में। अबे हिमायूं भी है? हाँ। नहीं, मायरा को कहीं और का, ये कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। अगला सवाल। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप शॉपिंग पे जाएं, आप तो अच्छे बार्गेन करते हैं, लेकिन आपसे भी ज्यादा बार्गेनिंग कराने वाला आपको कोई चाहिए, तो शॉपिंग पे किसको साथ लेके जाएंगे? मेरी दोस्त है मेरी, उसको जरूर लेके। अच्छा, हाँ, सुगी। तो उसकी सिलाई तुम्हें लगता है अच्छी है? बहुत भाई, बहुत, आधी प्राइस से भी आधी प्राइस। और जो भी चाहिए, आपकी बेगम मेरा हिसाब किताब सारा सही है भाई, सही। और तुम बताओ फहद? नहीं, मेरी एक फ्रेंड है मन्ने। अच्छा, मरियम आजमी। अच्छा, वो बेहतरीन है। मैं जैनब मार्केट गई उसके साथ। हाँ। और मैंने जैनब मार्केट की एक नई शक्ल देखी उसके साथ। अच्छा, इज अनबिलीवेबल। ओहो, तो और... बस मन्ने मन्ने होगी मेरी। मन्ने ना मन्ने, मन्ने ना मन्ने, वो माने ना माने, मन्ने जाए। हाँ, शायद तुम हर एक की एक फ्रेंड जरूर होती है। मैं भी अपनी फ्रेंड को ले जाना चाहूंगी, वो आधी से आधी से आधी प्राइस पे चीजें ले। कौन फ्रेंड है यार? समर है। ओ हाँ, समर को जानती हूँ मैं। तो वो तो उसके साथ, वो मुझे कहती है कि तुम अपना मुंह नहीं खोलना, ये मांस नीचे नहीं करना, मांस नीचे नहीं करना, चश्मा लगा के चादर, बिल्कुल चश्मा लगाओ, चादर इधर करो, खबरदार नजर ना आए। आजकल मेरी बीवी ये कर रही है मेरे साथ। हाँ, सही, अच्छा आइडिया है। आप क्या करेंगे जाज? आप तो खुद एक दोस्त है अनवर। अच्छा, बड़े अच्छे दोस्त है। कोई कोई है ही नहीं अनवर। वो अनवर है ना, अरे ये खुद बहुत लीचड़ आदमी है। मैं खुद कर लेता हूँ भाई, ये करवाता मुझसे। हाँ। मैं तो सारा इससे डील करवाता हूँ, मेरी बहुत सारी डील्स हैं ये करता है। अच्छा यार, इजाजत संभाल यार। मैं तो डील भी बना के देता हूँ इसकी कई दफा। अच्छा, ओ कोई आता ना कमर्शियल जिसमें हम दोनों साइड पे कर देता हूँ। दोस्त ऐसे होने चाहिए, दोस्त ऐसे होने चाहिए। और जीत, आप क्या करेंगे? बाबा के साथ। बाबा अच्छी पार्किंग, बहुत अच्छी। हाँ, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। हाँ भाई, अच्छा भाई, चीजें ढूंढने में आप लोगों में से कौन मास्टर है? कोई चीज खो गई है, गुम गई है, तो घर में कौन अच्छी तरह चीज ढूंढ लेता है? सभी ढूंढते। नहीं, किसी को नजर नहीं आती। हमारे मियाँ को तो सामने पड़ा हुआ पर्स नजर नहीं आता। वो भी यही कह रहा था। मैं ढूंढ लूंगी, ढूंढ लूंगी, मोमल और मैं दोनों। मेरा मेरी भी सुई फंस जाती है। आपको ढूंढना नहीं है। जो मैं अभी एक्टिविटी करी हूं, उसमें आपको ढूंढना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये दोनों हैं आपसे ढूंढवाने के लिए। लो, या आप सही चीजें ढूंढ लेते कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं आता ढूंढना, मुझे नहीं आता। ओके, देखते हैं कि यहाँ पे कौन कितना अच्छा गाइडलाइन देता है कि उनके पार्टनर्स ढूंढ सके। आइए देखते हैं। ओके, हाँ जी, एक तरफ है फैसल की टीम, एक तरफ है इजाज की टीम, और आप दोनों ने ही जरा मेहनत मुशक्कत करनी है इस वाली एक्टिविटी में। होगा ये कि आपकी आंखों पे बनेगी पट्टी, ठीक है? हाँ, आपकी आपकी टीम बांधेगी, आपकी आंखों पे आपकी टीम बांधेगी। उसके बाद क्या होगा कि मैं हाथ में पकड़ाऊंगी दोनों टीम मेंबर्स को, यानी फैसल को और एजाज को, घंटी। ठीक है, गाय जो है मैं लेकर आऊंगी, ठीक है, और उसे कहीं भी खड़ी कर दूंगी। फैसल और एजाज को नहीं पता उनकी आंखों पे पट्टी बंधेगी गाय किधर है। अब आप लोगों ने फैसल को गाइड करना है, आप लोगों ने एजाज को गाइड करना है, और आप दोनों में से जिसने पहले घंटी बांध दी गाय के गले में या ऊंट के गले में, जो जो मैं बोलती जाऊंगी, उसको पॉइंट मिलेगा, वो गाय आपकी हो जाएगी। हाँ, रेडी है? जान। जब पट्टी बांधो, चलो चले, चले क्या करना होगा?
घंटी बजानी आपके हाथ में। अरे भाई गिर जाएंगे ऐसे तो नजर ही नहीं आ रहा कुछ। कहाँ है कुरैशी, किधर हो? इधर इधर इधर, दोनों एक साथ यहाँ पे आके खड़े हो जाए दोस्त। ओके आपका टाइम शुरू होता है। आप हाथ में पकड़ना नहीं है, आप ऊंट को घंटी पहनानी है। आपका टाइम शुरू होता है। आप आपने ऊंट को घंटी पहनानी है। अगली अगली घंटी पहनानी है गाय को। गाय को दो घंटियां जो है हमारी, मेरी लड़कियों को पता ही नहीं है गाय कौन सी है। ओके रेडी गेट सेट गो। तीन घंटियां इजाज़ पे ना चुके हैं, अब आखिरी घंटी है। ठीक है देख रहे हैं ये कौन जीत गया ना इजाज़। हाँ जीत गए। इरिटेशन हो रही है, अंधा हो गया। अब आपने बकरे को घंटी बनानी है। रेडी गेट सेट गो। और आप लोग दोनों ब्रेक पे ऐसे ही जाएंगे, चले आपका काम है ब्रेक पे जाना, कहीं भी देख ले जहाँ मर्जी देखे, बस ब्रेक पे जाना है आपकी जिम्मेदारी। अब हम जाएंगे ब्रेक पे, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। दो पार्टीज हैं जो हमारे साथ आज ईद पे मौजूद हैं, एक है सूरज पार्टी और एक है दिल पार्टी। तो भाई हमने पिघला देंगे, हम करीब आएंगे तो क्या क्या जला दे। अरे भाई दिल हो तो बंदा सूरज को भी जला दे। अच्छा वैसे आप लोग नींद के कितने पक्के हैं? यानी क्या चीज ऐसी है जो मैं अगर मैं बड़े मजे की चीज शुरू करने वाली हूँ आप लोग के साथ, लेकिन प्लीज इसका जो इसके जो मायने हैं वो सीधा सीधा रखिएगा, कोई और मायने ना समझिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डैश की आवाज पे सोते में से भी उठ के बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ। मैं डैश की आवाज, वो डैश की आवाज किसकी है? मच्छर की भी हो सकती है। मच्छर की आवाज से कौन सोते में उठता है? मैं तो उठ जाता हूँ। भिन 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 भिन। इन्होंने डैश में मच्छर को पुर किया है। जी उरुबा आप बताइए। मैं किसी की भी आवाज से उठ जाऊंगी, कोई ठग करेगा तो मेरी आंख बस वो कच्ची नींद। मैं ठग की आवाज से उठ जाती हूँ। ठग की आवाज से उठ जाती हूँ। हाँ। मेरे घर में नीचे जब डॉग ज्यादा परेशान होते हैं कुत्ते की आवाज से उठ जाए, कुत्ते के डॉगी की, हम प्यार से कुत्ते को डॉगी कह देते हैं। कुत्ता कहें डॉगी कहें एक ही बात है। हाँ लाइक थोड़ा समझ टॉमी कह देते हैं, तमीज वाला। अच्छा अंग्रेजी में तमीज आ जाती है। टॉमी टॉमी की आवाज से मैं उठ जाती हूं। सर्वत तुम बताओ। मैं आई थिंक अब मुझे सिर्फ मेरे बच्चे ही उठा सकते हैं। मैं बच्चों की आवाज से उठ जाती हूं। वैसल आपके भी तो बच्चा ही है। मेरा तो अब फरमान की आवाज से उठता हूँ। हाँ, बस वो मैं देख रही थी उसको कि वो शेल्फ में कहीं छुपा हुआ था, अंदर घुस गया, छुप गया था शेल्फ में। अभी उसने चढ़ना शुरू किया, कहीं से भी गिर जाता है। बड़ी मजे की हरकतें करता है। तुम बताओ इस डैश में किसको पोर कर? हाँ अभी तो दिन है हमारे, इतनी बड़ी हो गई है वो। ओए होए क्या पहना रही हो ईद पर उनको? पहना हुआ अभी जाना है उसके पास। क्या शरारा कर? सेम 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 हम लोग ट्विनिंग ट्विनिंग। हां भाई ट्विनिंग जरूर, ट्विनिंग हमारी अपने लड़के के साथ है। ओहो अच्छा पहले ना लोग मजाक उड़ाते थे, एक ही थान आता उसमें सबके कपड़े बच जाते हैं। अभी वही हो रहा है, हमने उसका नाम ट्विनिंग कर दिया। ये सही कह रहे हैं। लिटरली हम अपने अम्मा को अपनी बहनों के साथ ईद पे अगर सबके सारे कजन्स के नानी ने कपड़े एक जैसे बना लिए तो हम इतना मजाक और इतना एम्बैरस होकर पहनते थे यार ये तस्वीर खिंचवाने के लिए। अच्छा मैंने एक ही थान लेके सारी ट्विनिंग की। अम्मी ने हमारी ऐसे कैसे शहजाद के साथ ट्विनिंग की? तो ब्लैक एंड रेड, अगर उसने रेड शॉर्ट्स पहनी है, व्हाइट शर्ट पहनी है तो मेरा व्हाइट एंड रेड ड्रेस होगा, लाइक फ्रॉक होगा, या अगर व्हाइट ड्रेस है तो रेड कलर की बोज लगा देंगे।
तो मैं और सिद्धार्थ बचपन से ट्विनिंग करते हैं। बचपन में हम उसको मैचिंग कहते थे। अब ट्विनिंग हो गई है। आप भी करते हैं अपने बच्चा पार्टी के साथ ट्विनिंग? मैचिंग सबका अपना। ओके हाँ ओके। डैश की खुशबू आते ही मेरी भूख और बढ़ जाती है। बिरयानी बिरयानी मेरी बहन। हाँ भाई इजाज़। खाने की कोई भी खाना। कोई भी खाना। कोई कोई खास देश? कोई खास मुझे तो मतलब खाने से कोई ऐसी वो नहीं है इजाज़ को। ड्राई फ्रूट है। खुशबू कब आती है? कॉफी की खुशबू जो आती है। कॉफी की खुशबू। आप जब जाते हैं किसी कॉफी शॉप के पास फिर आपका वो दिल चाहता है कि वहाँ से कोई स्नैक भी ले। खाने की बात हो रही है उसके साथ ही स्नैक ले। भाई ऐसा कौन सा खाना है जिसकी खुशबू आती है? भाई खाना जैसे मुझे तो ख्वाबों में भी बिरयानी आती है। ये एक और बिरयानी। बिरयानी का कोई खास यार जब दाल पे तड़का अगेन बहुत सारे खाने हैं जो भी जैसे कि अभी आ रही थी मुझे कुछ खुशबू बस बोटी की चिकन बोटी चिकन बोटी बारबेक्यू बारबेक्यू शरबत आई थिंक हाँ बिरयानी तो है ही और पिज्जा भी अगर मैं पिज्जा जब बेक कर रही होती हूँ ना या मैं खुद बेक कर रही हूँ या मैं अगर मफिन्स बेक कर रही हूँ उसकी खुशबू जो है ना फिर मैं किचन से बाहर नहीं निकल बड़े मजे की होती है मुझे भी आ रही है किसी चीज की खुशबू। डैश काम के लिए मेरी जेब में पैसे ही पैसे हर वक्त जेब खुली रहती है। यार आई थिंक ये पोस्ट कोविड एक चीज़ हुई है क्योंकि हमको कहीं ना जाना मिला है ना शॉपिंग तो मैं तो कोई बहुत ही मुझे लगता है बस कहीं मौका मिल जाए शॉपिंग कुछ ले ले और वो अर्ज जो है ना वो पूरी नहीं होती ये लेके यार कपड़े तो फिर वहीं से तो ये यूं ना वो लगता है कि कपड़े नहीं गर्मी पहन के घूमे जा रहे हैं कहीं जाना भी नहीं है पर कपड़े नहीं है यार बार बार कपड़े नहीं। हाँ जी किस चीज के लिए? जूते और कपड़े। जूते और कपड़े। रूबा जूते कपड़े। हाँ मेरा तो स्पेशली जूते और चश्मे मुझे बहुत शौक है। मैंने आपका घर का दौरा देखा तो उसमें आपके जूते सजे हुए। इतना बड़ा कमरा तो सना का भी नहीं होगा ना उन कपड़ों का और जूतों का। मेरा वार्डरोब है। सो ग्रेट कलेक्शन। परफ्यूम्स परफ्यूम्स का भी एक बहुत ज्यादा शौक है। सो उस पे भी बहुत खर्चा होता है। मोमेंट सोचा किस चीज के लिए? यही शॉपिंग पे। आई मीन शॉपिंग तो बच्चों की शॉपिंग पे ज्यादा क्योंकि अब लेहा है तो मुझे बहुत शौक था कि बेबी गर्ल होगी। सारी माएं एक जैसी बातें करती हैं। कि बेबी गर्ल को यू नो सजाने का उसकी छोटी उसकी मैचिंग उसके क्लिप्स लेना क्योंकि जब शहजाद की बेटी हुई थी तो हम बाहर कहीं थे तो मैंने बड़ी शॉपिंग की थी। इस बार कुछ भी नहीं हुआ कोविड बेबी ऑफ कोर्स जा ही नहीं सके हम तो उसका बस होता है कि ऑनलाइन कहीं ना कहीं से शॉपिंग कर लड़कियों की चीजें भी बहुत मिलती हैं एग्जैक्टली इब्राहिम में इतना कुछ खास मजा नहीं आया था शॉपिंग में वही एक पैंट शर्ट या जीन्स या शॉर्ट्स चश्मा लड़कियों में थोड़ा सा मजा आता है फन होता है। हाँ जी सरवत जी तुम्हारी जेब किस चीज सोच रही होती है ये कहती कोई ऐसा जवाब ढूंढना नहीं। आई थिंक सिंस टाइम इज मनी एंड मनी इज हनी एक चीज जो मेरा दिल मैं कहीं भी हूँ मैं रुक जाऊँ अब हुई ऐसी मैं क्या करूँ तो जो वो बच्चे नहीं होते पठान बच्चे जो कचरा जमा करते हाँ मैं उनको रोक के जरूर रोटे खोरे तो मैं जरूर करती हूँ। मैं भी रमजानों में ड्राइव कर रहा था एंड आई कॉल्ड हर और ये एक मिनट में पहुंची है। हम सभी करते हैं ये मुझे बहुत ये बात सब करते हैं बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा बताओ कि ये बतानी चाहिए इसके अलावा मैं बताता हूँ एक आदमी का जो बड़ा वाला सूटकेस नहीं होता 40 किलो वाला उसमें चीजें भर के आती है पूछे क्या क्या चॉकलेट्स नट्स अपना क्या कहते हैं नाश्ते का सामान नाश्ते का सामान नाश्ते का सामान तो फलान और वो और कोई भी आ रहा हो मैं मंगाता हूँ और या मैं खुद जाता हूँ तो फिर मेरे दो सूटकेस होते चार सूटकेस होते हैं इसके क्योंकि यहाँ पर नहीं मिलती ना चीजें तो सारी फिर पूरा एक फ्रीजर फ्रीज कर देता हूँ। अब अगला सवाल पे जा रही हूँ। मैं अपनी डैश आदत से बहुत परेशान हूँ मैं अपनी इस आदत से बहुत परेशान मैं वो आदत बता नहीं सकती सरवत
वो समझ गए कुछ। देखिए मेरे सारे दोस्तों को पता है मैं हेल्दी रहना चाहती हूँ आप, लेकिन मैं हेल्दी रहती नहीं हूँ। जैसे कि मैं इस आदत से परेशान हूँ कि क्योंकि मुझे गेन नहीं कभी करती हूँ वेट, तो मैं बहुत हेल्दी नहीं रहती हूँ और एफर्ट नहीं करती हूँ लाइक जिम जाने के लिए या पिलाटेस करने के लिए या बॉडी फिट रखने के लिए। तो मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ कि मैं क्योंकि वो नहीं फील करती कि नीड है मेरे लिए, तो मैं बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करती हेल्दी रहने के लिए। मतलब लाइक वो एक्टिव तुम नहीं हो जो होनी चाहिए ताकि तुम्हारा स्टैमिना बढ़े। मैं हर साल मैं ये रेजोल्यूशन करती हूँ कि इस साल मैं बहुत हेल्दी होगी, मैं ये करूंगी, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। वेरी प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ। और भाई फैसल आप बताएं, आप खुद अपनी किस आदत से परेशान? यार मैं मुंह पे बात मार देता हूँ और मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम है। ओह माय गॉड, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ। मुझ में वो नहीं है, फिल्टर नहीं है। हाँ। so, मार देते हैं। हाँ। ओए, ओए, ओए। so, वो कभी मैं सुन हो जाऊँ वो अलग बात है, लेकिन मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं ढक मुंह पे आता हूँ। हाँ भाई मोमल, मैं अपनी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करती, मैं ऑन द गो होती हूँ। तो आई थिंक सो वो एक आता है टाइम जब आपको ना ज़रूरत होती है, मुझे बैक एक प्रॉब्लम है, मुझे नीज़ में प्रॉब्लम है, बट मैं बिल्कुल टाइम नहीं देती। लाइक अगर घर है, बच्चे हैं, काम है, दोस्त है, मींस के कहीं ना कहीं रहूँगी, अम्मी के घर चली जाऊँगी, फिर काम पे चली जाऊँगी, फिर बच्चों पे रहूँगी, फिर दोस्तों पे भी जाऊँगी, सब करना है। अपने आप को टाइम नहीं देती, चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट है, एक पॉज आना चाहिए। मैं आई एम ऑलवेज ऑन द गो, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं अभी से नहीं दे रही हूँ, तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स मेरी अम्मी मुझे बोलती हैं। अपने बाप से कुछ सीख। अपने बाप से नहीं सीखा ये बात का, बट उनका बड़ा है, उनका तो स्टाइल है ना कि मैं सुबह उनका एक ब्रेकफास्ट होगा, एक वॉक होगी, एक जूस होगा, मेरा कोई बिल्कुल रूबा। तुम किस चीज से परेशान हो? मैं जल्दी भरोसा कर लेती हूँ, तो बस ये आदत मेरी बहुत बुरी है, मुझे बार बार इसमें मार भी पड़ जाती है। बस तुम्हें कौन मारता है अब? अपना आप ही मार पड़ती है ना फिर। अच्छा, मारता नहीं है। अच्छा, मार पड़ता। मैंने कहा बताओ जरा, हमें जब धोखे की मार पड़ती है तब हम मॉर्निंग शो का कैमरा लेके आते हैं। शकील भाई आ रहे हैं, शकील भाई सुन रहे हैं। एक दोस्त की बच्ची, एक पुरानी दोस्त बैठ के मेरा मजाक उड़ा रही है। देखिए पुराने ही मजाक उड़ा सकते हैं। क्या कह रही थोड़ी ना जी एजाज। मुझे कोई जब कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है ना, मतलब वो ब्लैकमेल वाली सिचुएशन, ओह ब्लैकमेल करता है, वो ब्लैकमेल इन द सेंस ये कि आपको फायदा उठाने की ना, आपको भाई अब सबने इतना बता दिया, जैजी की सुनने के बाद अब हिम्मत नहीं होता। आप अगला सवाल पूछे प्लीज। मर्जी है, जवाब देना तो दे दें, नहीं देना तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँ। ओके, मेरी गुज़िश्ता मोहब्बतों में डैश की कमी रह गई। अब ये नहीं पूछ रही किस किस से मोहब्बत हुई, सिर्फ डैश की कमी रह गई। बस डैश की कमी रह गई। ये जवाब। क्या जवाब दिया? वाह 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 वाह। हां भाई फैसल आपसे शुरू करें। क्या शरत ब्लश कर गए, लाल हो गए। गुज़िश्ता मोहब्बत में मोहब्बत की कमी रह गई। हाय 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 हाय। वाह वाह। मैं हर काम कर सकता हूं या कर सकती हूं, लेकिन डैश नहीं कर सकती। हर काम कर सकता हूँ लेकिन गाना नहीं गा सकता। ओके। हाँ मोमल सरवर। मैं हर काम कर सकती हूँ लेकिन बेवफाई नहीं कर सकती। मोमल हर काम कर सकती हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ कि झूठ ना बोलूं। ओए बड़ा मुश्किल काम। झूठ नहीं नहीं बट कोशिश करती हूँ। हाँ जो या गीबत, हाँ। गीबत से मैं बचना चाहती हूँ हमेशा। अरे तुम्हें पता है क्या वो? अरे हाँ वो। लेकिन मैं तो तुम कुछ बता रही थी, कुछ कह रही थी भी नहीं। मैं बड़ी ये बात करती हूँ और मैं फिर ये बोलती हूँ कि फिर मैं उस बंदे से के सामने भी करूँ।
ताकि गीबत ना ताकि गीबत में ना शुमार ओके मुंह पे जलील कर दो नहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ती हाँ भाई अच्छा। भाई मैं गिटार नहीं बजा सकता अच्छा तुम गिटार की बात कर रहे हो पेंटिंग नहीं कर सकता हाँ भाई शाइस्ता मैं हर काम कर सकती हूँ मगर हिम्मत नहीं हार सकती ये डॉक्टर ले गए ये वाला पॉइंट आप ले नहीं नहीं हमारी तरफ भी स्ट्रांग था भाई था बराबर चल रहा है इन दोनों का हम तो ऐसे ही बैठे आए हुए हम घर चलते हैं पता नहीं था हाँ बस सही यही तो बोलना था मैं कौन सी साइंस के फिर कौन धोता है क्या हम तो खुद धो लेते हैं अक्सर ओके बिल्कुल मेरे खाने की मेज पे डैश होना बहुत जरूरी है मेरे खाने की टेबल पे मेरी फैमिली का होना बहुत जरूरी डन 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 हां भी नॉर्मल इसीलिए शूट पे खाना नहीं खाता मैं बोलूं हां बोलो मेरी खाने की टेबल पे बरकत होना बहुत बरकत के साथ आपकी खाने की टेबल टेबल पर क्या क्या हरी मिर्च बस मेरे हाथ के खाना नहीं होना चाहिए मेरी खाने की मेज पे मेरे हाथ का खाना नहीं होना चाहिए वेरी गुड ओके हाँ मेरे मूड में बेहतरी लाने के लिए डैश का होना बहुत जरूरी मेरे मूड के लिए बिजली का होना बहुत जरूरी ओहो अच्छे मूड सही सबके लिए सही सही जवाब और अभी बारिशें आ रही हैं तो और काफी चीजों का होना जी हम तो इकट्ठे ही भुगते हैं हमारी एक ही लाइन है हम साथ ही भुगते हमने 8 दिन लाइट नहीं थी पिछले साल जब कोई सैलाब आया हुआ था आप लोगों की तरफ आप लोग की तरफ कश्ती लेके जाते थे वो था दरियाए मुहाफिज दरियाए शबाज मेरे अच्छे मूड के लिए नादिर का अच्छा मूड भी होना बहुत जरूरी क्या बात मेरा ये जवाब है मेरे अच्छे मूड के लिए मेरे मियां का भी अच्छा मूड होना बड़ा बहुत जरूरी है बड़ा बहुत कंटेजियस है ये वाला मूड मेरे अच्छे मूड के लिए मेरी जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसका जीतना बहुत जरूरी है अरे हाय 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 ओए होए उफ मैं सड़ जाता हूं एक एक हफ्ता अच्छा मेरा मीटर घुमा रहता है हाय हाय मुझे तो ये भी नहीं पता होता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है आप तो बाद में पूछती होंगी गोल कितने हुए सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हां भाई रूबा अच्छा खाना हो तो मेरा मूड अच्छा हो सही है बस लो यार बहुत सिंपल है इतनी प्रैक्टिकल है ना ये बंदी मुझे बहुत अच्छी लगी छोटी छोटी खुशियां हम बहुत ड्रामे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चल रही है वेरी नाइस हां भाई एजाज अच्छा मौसम जुलाई के एक आखिरी हफ्ते में एजाज जो है ना वो बहुत जुलाई का आखिरी हफ्ता भी नहीं वो अगस्त सितंबर चला जाता है आपके लिए अच्छे मौसम की डेफिनेशन क्या है ये भी तो पता चले ना यार जो भाई एसी 17 पे करके बैठ जाओ 11 महीने जो रहता है वो ना हो हल्की सी ठंड है ना ठंडा मौसम जरा ज्यादा हाँ जी हाँ शाइस्ता मुझे बता दो मेरा दो दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेना बहुत जरूरी है इतने फजूल कमेंट्स पढ़ के जो है ना बंदे बंदा अपने लिए या किसी और के लिए लोग कहाँ रह रहे हैं किस किस्म के लोग ये बताओ वो ब्रेक वाले दिन कौन से वो ब्रेक वाले दिन हाँ होते हैं नहीं नहीं सैटरडे संडे फिर भी देख लेती हूँ लेकिन ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे ये वाले दिन ऐसे होते हैं अच्छा काम में बिजी रहो देखो ही नहीं मूड ही नहीं बिगड़ेगा इसका मतलब है ट्यूसडे वेंसडे ज्यादा पेशेंट बस ओहो कहते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आपकी जो आपकी एक्टिविटी है वो डिजाइन की है ये वाली जो एक्टिविटी है ये बहुत मजेदार है लेकिन थोड़ा समझनी पड़ेगी आप ये देखिए नकेल डली हुई है नकेल कहते हैं ऐसे ना सही बोल रहे हो ये अलग अलग कलर्स की नकेल है कोई पिंक है कोई ग्रीन एंड व्हाइट है कोई येलो है उधर भी अलग अलग किस्म की है ठीक है ठीक है
इसके पार्ट्स, इसके चार पार्ट्स, वो दो अलग गाय का खाना रखा हुआ है, ठीक है, चारा रखा हुआ है, सॉरी, उसके अंदर चार पार्ट्स हैं, जैसे पिंक कलर के चार पार्ट्स हैं, वो आपको जमा करके इसके साथ गिरे बांध बांध के नकेल को चारों को जमा करना, यानी कि चार दफा इसके गिरे बनेंगे और उसके बाद ये ले जाकर इसकी ये यहाँ पे बांध देंगे, नकेल यहाँ बांध देंगे। अगर आपने चार गिरे कंप्लीट कर लिए हैं और हुक से कनेक्ट कर लिया तो आपका मान लिया जाएगा। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि उस कलर के यहाँ भी पड़े हो सकते हैं, इनके कलर्स के वहाँ भी पड़े हो सकते हैं। और आपका डाइट शुरू होता है अब। एग्जाम्पल, आपने बजर बजाया और आपने सही गैस किया कि हाँ यही जवाब है, सही हाँ। जवाब है, आप चूज करेंगे ये जो पर्दे में छुपे हुए ये बकरे हैं, इनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए, हो सकता है किसी के अंदर 50 पॉइंट्स हो, किसी के अंदर 20 हो, किसी के अंदर 10 हो, किसी के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अरे मिनी, अगर मिनी जी तो पाकिस्तान हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मोटरसाइकिल भी होगी, नहीं बकरे हैं, बकरे हैं, बकरे पे बैठ के जाना होगा। अगर आपने गलत जवाब दिया तो भी आपको बकरे से पर्दा हटाना होगा और वो नंबर्स आपके नंबर्स से माइनस होंगे। यार ओके, रेडी गेट सेट, पहला सवाल, आपको क्या लगता है ये जो चेहरा ब्लर है ये कौन है दोनों में से, यमुना जैदी या ऐमन खान? ऐमन। इन्होंने जवाब चाहिए, तुम तीनों आपस में फैसला कर लो भाई। एमन है, एमन है, एमन है। अब चूज करो तुम लोग कि बकरा कौन सा चाहिए। ये तो ये करेगी शायद। मरून वाला, मरून वाला। हाँ। ब्लू मैच हो रहा है। एक मिनट, मरून बकरे को मैं निकालती हूँ, देखते हैं भाई हारे जीते कौन, कितने पॉइंट्स ये, कितने नंबर है, आई नहीं, कितने पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स, ये 10, ये रो, चलो फिर भी नॉट बैड, चलो कोई बात, 10 पॉइंट्स, ओके। अभी ये प्लस है या अच्छा, माइनस अभी पता। अगर इनका जवाब गलत हुआ तो ये आप लोगों के गले में पहनाया जाएगा, ठीक है, वहां से माइनस हो जाएंगे। अगर इनका जवाब सही हुआ तो ये इनके गले में जाएंगे। ओके जी टीम, देखते हैं इनका जवाब था कि ये है ऐमन खान, इन्होंने, आइए देखते हैं असल में कौन है। पहना दे अपने वालों के गले में भाई, 10 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्लिप उन्होंने बजाया, उन्होंने बजाया, हाँ जी, या तो आपको लग रहा है ये समरा अरसलान है या उष्णा शाह है, दोनों में से कौन है? करीब आके देख ली, हाँ मैं भी आ रही हूँ, आजे आजे, ये तुम चिढ़ेंगे, हम तो नहीं ऐसे करीब गए, करीब आके इतना नजर आया क्या? हाँ ओ ये वो दूसरी वाली, समरा अरसलान या उष्णा, 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 उष्णा। अच्छा अच्छा ओके, तब बकरा भी चूज कर ले, डार्क ब्लू, हां मैं करीब, वो है अनिता पहले कह देता उष्णा, हां हां, बहुत कितनी जिद्दी बकरा है, जिद्दी बकरा, इसके नीचे तो टायर भी नहीं है, इसके पास है कुरान के टायर पे जा रहा है, कर भाई हो गया, अच्छा ओके, 50 50 20 20 5 5, वही तो असल बकरा है,
ओए होए 20 नंबर ओए होए क्या बकरा बनाया वैसे हैं ओके हार्ट को फुल जवाब है इनका उष्णा आइए देखते हैं कि वाकई उष्णा है कि नहीं वाकई है भाई देख लिया वाकई है ये मेडल भी आप लोगों का हुआ शुक्रिया 30 नंबर आपके बराबर आपके सामने वालों को हम तो होए होए ओके जी रेडी है आप लोग रेडी गेट सेट नेक्स्ट पिक्चर हमने बजाई है मैंने देख लिया जर्निश है और सना जावेद सना जावेद आप लोगों का जवाब है सना जावेद अब आप जरा चूज कर ले अगर आपका सही जवाब येलो 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 देखते हैं भाई ये पांच नंबर आएंगे ओके रेडी गेट सेट चल भाई बकरे 20 वेरी नाइस ओ पहले हाथ ही छह मार दिया ये है 20 ठीक है ओके जी दिखाइए कि ये कौन है सना जावेद सही जवाब सना जावेद भाई सना जावेद ओके अच्छा अच्छा अब जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ तो वो थोड़ा फनी भी है आपको हंसी भी आएगी मजा भी आएगा लेकिन आपने फोकस करना है बजर बजाने पे और होगा ये कि आपको एक सेलिब्रिटी नजर आएगा जिनके बाल हमने उड़ा दिए हैं और उनके एक्चुअल बालों को आपने पहचानना है हम आपको दो ऑप्शन देंगे कि उनके एक्चुअल बाल कौन से हैं ठीक है तो अगर आपको ये समझ आ गया और अब मैं आपको करीब नहीं आने दूंगी दोनों टीम्स को थोड़ा सा आप भी पीछे हम करीब आना भी नहीं चाहते ठीक है रेडी जी ओके जी दिखाइए भाई ये है सिरा सिरा इन दोनों में से ए या बी इन दोनों में से सिरा के एक्चुअल बाल कौन से हैं आप लोगों ने जवाब दिया कि है उनके हेयर स्टाइल जो है वो ए वाला ठीक है अच्छा कौन सा बकरा चूज करेंगे आप लोग कलर बताएं ग्रीन गोरा ये कितने हुए 10 नंबर ओके 10 नंबर का सवाल है बाबा लाइए दिखाइए कि सिरा के हेयर स्टाइल ए है या बी ए सही जवाब ओए होए 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 थैंक यू होए 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 इतने सारे हो गए कंट्रोल नहीं हो रहे अल्लाह अल्लाह सख्त है रेडी गेट सेट गो ये उन्होंने पहले बजाया तुमने पहले बजाया तुमने ओके या आपको नजर आ रही है विनी विनी के एक्चुअल बाल ए है या बी 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 वो तो अभी मिली थी हमें लाहौर में बी बी कलर चेंज कराया है पक्का पक्का लॉक कर दिया जाए बकरा चूज करें फिर सोच लो बकरा चूज करें उसे बाल डाल ये बकरा चूज किया है और कितने नंबर निकले 20 आइए भाई देखते हैं कि वाकई जो बी बी बोला ना आपने बी क्या वाकई बिनी का हेयर स्टाइल ये बी वाला है या नहीं बिल्कुल सही ये ही विनी का हेयरस्टाइल है वो ब्लू ब्लो ड्राई बड़ा कम कराती है भागती है वो ब्लू ड्राई कराने से ये बात शायद आप लोगों को पता है जी ओके 40 रेडी आप लोग यस ये है हाँ भाई वाकई में तो पहचान ही नहीं दुर्रे फिशा ही है दुर्रे फिशा के बाल ए है या बी ए बी हमारी बारी है उनकी बारी है बताओ बी बता रहे बी आप लोगों ने कहा कि दुर्रे फिशा के बाल ए है बकरा कौन सा चूज कर रहे हैं आप लोग लाइट कलर कौन सा ब्लू एक्चुअली ग्रे 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 ये छोटू ओके देखते हैं बकरे कितने
ओहो दस निकला है आपने तो पचास में अभी पकड़ रही हूँ क्या क्या बोल आप लोगों ने जवाब दिया है चलो माइनस के दुर्रा बी पिशा के बाल कौन से ए है ए है ओके क्या देखते हैं कि असल में दुर्रा पिशा के बाल ए है या बी है आपने ए बोला बी आप लोगों ने मेरी टीम थैंक यू थैंक यू थैंक यू सादिया फैसल के बाल ए है या बी ए ए ए आपने कहे आप मुझे बताइए कि कौन सा बकरा चाहिए लाइट पिंक बकरा आ जाओ भाई हमने बजाया था हम टेक्निकल जा रहे हैं फोटोशॉप ओके देखते हैं क्या निकलता है 20 ओके लाइन दे असली देख ओके आप दिखाएं ये सादिया फैसल के बाल क्या वाकई ए है या बी आप बताएं ये फिजा अली है आपको क्या लगता है कि क्या जवाब है मैं बताती हूँ आप लोग बी कह रहे हैं आप लोग क्या कह रहे हैं बी बी और आप लोगों ने भी बी बोला अगर सही जवाब हुआ और अब आप बकरा अपनी मर्जी से निकालें मैं अपनी मर्जी से निकाल लेती हूँ बकरा बेचारा ग्रीन पीछे रह गया ना ये ग्रीन सही ठीक है अब मैं ये वाला बीस आए तो दस 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 आए तो पांच पांच कितने क्या है ओके अच्छा अब क्या होगा खुले छुट्टे दस दे रहे एक मिनट पहले आने दो पहले आने दे क्या पता दोनों की तरह तो मैं आप दोनों से दस दस ले लूँ वापस नहीं ले नहीं ले आधे आधे करेंगे आप लोगों ने दोनों ने जवाब दिया बी आइए देखते हैं क्या बी सही जवाब दस दस बीस को हमने दस दस में बांट लिया ये क्या ईदियां बटनी जैसे खुला एक हजार का नोट आ जाता तो तीन बच्चों में बटती है फिर आखिरी आखिरी सौ पे लड़ाई होती है हमारी जो घंटी है ना ये पैसे कम आवाज में वो बड़े शिकायत है भाई तुम लोगों की रेडी आप लोग नेक्स्ट पिक्चर प्लीज जवेरिया सऊद है ठीक है इसका हेयर स्टाइल आपको क्या लग रहा है ए है या बी 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 क्या लग रहा है बी बी ओके बकरा चूज करें ग्रीन वाला ओके दस नंबर है ठीक है देख लेते हैं कि वाकई क्या जवेरिया सऊद के बाल बी है या नहीं बिल्कुल सही जवाब बी है थैंक यू ओके आप लोग रेडी हैं रेडी है दोनों तरफ से यस ओके ओके नेक्स्ट ये क्या हुआ तो तुमने नहीं बजाई कम ऑन मैंने थैंक यू दोबारा अभी बात हो रही थी बोलिए जी ए ए ए नवाल सईद नवाल सईद ये हुमायूं सईद की क्या लगती है बता रही लाइट पर्पल क्या जवाब आपने दिया था ए देखते हैं भाई नवाल के बाल ए है या बी है हम जीते हैं चलो भाई गिनती करो खत्म हो गया ये तो चुप नहीं होंगे इनके मुंह में तो रुई डालनी पड़ेगी रुई से आइए इनके मुंह में नहीं बकरों में रुई डालते हैं ओके आपको करना ये है कि रुई है ये आप लोगों की और ये आप लोगों की आपने अपने बकरे को जितना सेहतमंद बना दिया तो ये मुकाबला आप जीत जाएंगे तीनों को सेहतमंद बनाने बराबर बराबर ये नहीं कि एक ही में रुई उठा के भर देनी है ठीक है डेढ़ मिनट का टाइम है डेढ़ मिनट में तीन बकरे भरने आपका टाइम शुरू होता है अब
ओके अब मैं बकरों का जायजा लूंगी। ओके ये इनका, आप लोग भी कैमरामैन सब देखें किसका बकरा सेहतमंद है। ओए होए शाइस्ता, तुमने इसको कौन सी इंजेक्शन लगाया है? नहीं ये बेटा। ओहो ये देखें आप। ओके और दिखाएं जरा ये इसकी टांगे भी दो ही हैं। ये 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 इजाज का बकरा सप्ताह से हमने सब में भरी है। हाँ ओके यहाँ आते हैं हम देखते हैं भाई। ये कमजोर है बकरा थोड़ा। मुमल तुम्हारे तुमने क्या खिलाया है? हैं? उड़े बाप रे यार। मान गई मैं अभी तक जो भी बकरा सबसे ज्यादा सेहतमंद है वो मुमल का। ये अभी तक इसको सिरलैक खिलाने की आदत है। ये तो इसके फ्रैक्चर हो गए। भाई आप लोग जीत गए। यस मुमल का बकरा जो है ना इसने इसको सही खिलाया खिलाया। तो यहाँ ये तय पाया कि ये वाला मुकाबला इसने बेसन पिलाया बकरे को। हाँ सही कह रहे हैं, पेट फुला दिया। तो ये वाला मुकाबला जीत गई फैसल की टीम। तो इस मुकाबले के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं नहीं जाना आपने, आप लोगों ने भी इधर ही रहना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। मुकाबला है दोनों तरफ, एक तरफ है फैसल की टीम सरवत और मोमल की टीम और एक तरफ है इजाज रूबा और शाइस्ता की टीम। फैसल आप आ जाए सात नंबर पे और इजाज आप भी आ जाए सात नंबर पे। यार मेरा तो पांव से छोटी है। अच्छा अब होगा क्या, होगा क्या यहाँ पे चलेंगे गाने, ठीक है? वो गाने शायद हमने बचपन से सुने होंगे, तो वो कुछ सुने सुने लगेंगे और गाने के बीच में एक कोई बोल या कोई एक वर्ड आएगा जिसमें एक भोंपू बजेगा या एक बाजा बजेगा, वो वर्ड आपसे सुनने में मिस हो जाएगा। ठीक है, डन हो गया। वो वर्ड आप लोगों ने गेस कर दिया और मैं बाजर की कहानी खत्म कर रहा हूं। बारी बारी होगा क्या, अगर आपने अपनी बारी पे सही जवाब दिया तो फैसल एक सीढ़ी उतर आएंगे। ठीक है ओके। पहला पहली बारी आप लोगों की है, ठीक है? यहाँ से ये देख रहे हैं। ओके पहला गाना चलाइए। ओके मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। जी जी दिलदार सदके, लात मार सदके, दिलदार सदके, आंख मार सदके, दिलदार सदके, लखवार सदके। लखवार सदके। आइए जी देखते हैं कि सही कह रहे हैं कि गलत। दिलदार सदके, लखवार सदके। हो या ओ नहीं ये हीरांजा नहीं है। नेक्स्ट हाँ जी अगला गाना। ये बहुत अच्छा है यार। यार हम बोलेंगे कैसे? ये क्या बोला इन्होंने? मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आपने उस चूज करना है। ऑप्शन ओके, जहरीली हवा पुरजोर, प्यार वाली हवा पुरजोर, गैस वाली हवा पुरजोर। तीन ऑप्शंस में से आपने चूज करना है कि यहाँ क्या आएगा। प्यार वाली हवा पर यार ये तो बहुत ही आसान है। आइए दिखाइए प्यार वाली इतना इतना जल्दी लेकिन। ओके अब बारी आप लोगों की। यार ये बहुत अच्छा है। ओके जी नेक्स्ट गाना। ओके ऑप्शंस हाँ, खाना खाते हैं मेरे यार, मुफ्ता खाते हैं मेरे यार, सर खाते हैं मेरे यार। आता होगा सर खाते हैं मेरे यार। ये डॉक्टर और बिल्ला है ना? हाँ, सर खाते हैं मेरे यार। सर खाते हैं मेरे। अब मैं क्या करूँ? अब दिखाइए। सही जवाब।
हाँ जी दिखाइए भाई क्या हुआ ऑप्शन ऑप्शन जवानी के हम साथी दोनों लड़कपन के हम साथी दोनों या बचपन के हम साथी बचपन के हम साथी दोनों बचपन के एक मिनट गाना गाए ना थोड़ा सा सुनाए बचपन के हाँ बाकी लॉक कर दे हाँ ओके दिखाइए सुनाइए गाना सही जवाब तुम्हें भी नहीं पता था ना नहीं पता नहीं पता था पता था ओके दिखाइए जी नेक्स्ट क्लिप गजरा गजरा सजा के फिर भी ऑप्शंस दे रही हूँ गमला सजा के बच्चे सजा के या गजरा सजा के एक मिनट बच्चे ओके आ जाए एक सीढ़ी नीचे गजरा 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 हाँ जी शबनम आंटी थी दिखाइए जी नेक्स्ट ओके ऑप्शन ऑप्शन है सुहानी है रात भयानक है रात या नशीली है रात नशीली है रात दिखाइए जी नेक्स्ट देखो ये फजाएं ये रुत ये नजारे छोटी सी ये भी कितनी हसी है ऑप्शंस छोटी सी ये आबादी छोटी सी ये बेटी या छोटी सी ये वादी वादी ओके छोटी सी ये वादी भी कितनी हसी जवाब आइए भाई सुने आपको आप अच्छा सही चल रहे सही चल हाँ जी आइए दिखाइए जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं देख तेरी आंखों को एक मिनट ये नहीं हो रही है नहीं नहीं हो रही है इतनी नहीं हो रही है आईना आईना ये मेरा भाई तेरा भाई था ना रीमेक में इसलिए तुझे पता है ओके जी ऑप्शंस हाँ देखते ही आंखों को चुभने लगते हैं चुभने लगते हैं ऑप्शन दे रही हूँ ना भाई कौन से लोग देखते ही आंखों को मेले लगते हैं मेले या देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं अपना कह सकूं आइए जी नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलते हैं दिल जो तोड़े कभी ना मिलो हटो बचो दिल जो दुखा ये इतना आसान है यार कभी को हटो बचो ओके ऑप्शंस तो देने दो भाई रिकॉर्डिंग भी हो रही है ओके हाँ चल हट पगली हैं ये हो हटो बचो एक मिनट एनी टाइम यार हमसे पूछ लो आगे चल निकल निकल पगली 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 निकल पगली हमसे पूछ लो हटो बचो हटो बचो दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो हटो बचो दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो हटो बचो चला अच्छा आप पहले इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि मैंने आपसे शुरू किया था तो मैं उनको भी वही मौका दूं ठीक है बुदे बादल के साए में लहराएगी बिचोरिया ये नहीं आएगा बंदरिया जैसे चिड़िया या जैसे बिचोरिया हम भी पूछेंगे हम भी पूछेंगे हम भी पूछेंगे बंदरिया बंदरिया
भिजुरिया पंदरिया देखना इसमें पंदरिया ओके आ जाए हाँ भाई शिट यार ओके जी फैसल एक ही टीम के लिए चलाएगा ना कुर्बान माहिया शकूर माहिया निसार माहिया ओके हाँ जी आ जाए भाई आजी हाँ जी अब चलाइए जी एजाज की पार्टी के लिए पूरा गाना सुना सकता हूँ यार ये तो बाथरूम को घड़ी घड़ी साफ नाक को घड़ी घड़ी साफ या दांतों को घड़ी घड़ी साफ सिगरेट पी के घड़ी घड़ी साफ दांत दांत ओके दिखाइए सिगरेट पीना तो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ ओए ओए पहुंचना कॉलेज क्या करा दिलाइए यार वो कहना सर का Get out from the class. वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ बस यादें रह जाती हैं भाई आप दोनों पहुंच चुके हैं सीढ़ी के बिल्कुल एंड पे अब हाथ मिला लेते हैं और फैसल भाई ईद मुबारक एग्जैक्टली हमने यही करना है हमने खुदाफिस करना है लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अपने फैंस को ईद मैसेजेस देने हैं और मुझे आपका थैंक यू करना है कि आप लोग हमारे शो पे आए और हमारे जो देखने वाले नाजरीन है उनको आपने एंजॉय कराया मस्ती कराई खुद भी बहुत मस्ती की वो बात अलग है आगे आगे बोल देना इधर खड़े हो नहीं यार मैं ही कहना चाहता हूं कुरान क्लास थोड़ी होगी कर लो कौन सा है मेरा कैमरा फॉर फ्रंटल फ्रंटल कैमरा मैं सिर्फ सबको ये कहना चाहूंगी कि कोविड कि इस मुश्किलात के बाद यार प्लीज बिल्कुल सीरियस बिल्कुल सीरियस मैं वन टेक आर्टिस्ट हूँ शायस्ता जो आप मेरे पीछे कर रही हैं आज हम तुम्हें टू टेक बनाएंगे वो मैं इस कैमरे में और इस स्क्रीन पे देख सकती हूँ सॉरी बॉस रेडी थ्री टू वन एक्शन बस आ जाओ सो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी ये जो मेरे पीछे ये जो ईद पे ऐसे ही रहे सर्वत ये कहना चाह रही आप सब जितना ख्याल रख सकते हैं अपना रखें और क्योंकि हम एक बंद दुनिया में डेढ़ दो साल के लिए थे तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इस ब्लेसिंग को रियलाइज करें कि ईद जैसे मौके पे हम आज फिर साथ खड़े हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार सकते हैं तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है हम सबको शुक्र करना चाहिए और बस एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें और बकरे और गायें जो हैं वो दूसरों में भी बांटें सिर्फ अपने फ्रिज के लिए ना रखें हाँ भाई फैसल उधर ही जाए इधर ही जाना है सर सबने इधर ही जाना बड़ी ईद है और ऑब्वियसली इसमें कुर्बानी भी होती है और हम लोग एक रिवाज है हमारे यहाँ ये मजहबी रिवाज नहीं है कि कुर्बानी जो है वो घर की चौखट पे की जाए जो हमारे इस्लामिक ममालिक हैं अगर आप वहाँ पे जाके देखें वहाँ पे भी जो कुर्बानी की जाती है वो ऐसी जगह पे की जाती है ताकि वो गंद पूरे शहर में ना फैले लेकिन चलें जो एक रिवाज चल रहा है उसको लेके चलें अगर आपका दिमाग यही मानता है तो
पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते जो गंद बला है या जो खून है उसको उस तरह से सड़कों पे मत बहाएं, बीमारियों की वजूहत बनती हैं वो, जो ओझड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप निकाल के खुले मार्केट में भेज देते हैं, फेंक देते हैं, सड़कों पे फेंक रहे होते हैं, मत करो, मैं देख रहा हूँ ये आप लोग मत करें, खुदा के वास्ते बीमारियाँ फैलती हैं, वैसे ही बहुत सारी बीमारियों से बचते हुए हम किसी तरह से आगे निकल रहे हैं। सो अल्लाह के वास्ते सफाई निस्फ ईमान है, ये भी एक एक हमारे ईमान का हिस्सा है और ये एक इस्लामिक त्यौहार है, ना दिखावे का त्यौहार है ना गंद फैलाने का त्यौहार है। तो खुदा के वास्ते ऑप्शंस आ गई हैं ऐसी कि हम ऑनलाइन या हम ऐसी जगहों पे जाके कुर्बानी करवा सकते हैं, तो उस फैसिलिटी को जो है वो अवेल कीजिए और फिट है मुझे जास तुम्हारा ईद मुबारक। हालांकि ना मैं किसी को रान भेजता हूँ ना कोई मुझे रान भेजता। चलो मोमल, अच्छा मैं जाते जाते बस आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक कहना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि अपने रिश्तेदारों से अगर आप लोगों की बातचीत नहीं है, अगर किसी दोस्तों से आप लोगों की बातचीत नहीं है, किसी कुलीग से, किसी किसी भी इंसान से जो कहते ना अब हमने बात नहीं करनी, प्लीज़ ये इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत छोटी ज़िंदगी है, सो प्लीज़ बातचीत शुरू करिए। ये आपके लिए था, मेरे लिए था। जी जी और खुशियाँ मनाएं, साथ रहें और ईद मुबारक। ईद यहाँ सब आने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, देखिए बड़ी मुश्किल से हमने मिल के ये बोंगियाँ मारी हैं, तो खुदा का वास्ता इसी मॉर्निंग शो को देख के इसी को रेटिंग दीजिएगा। मेरी तरफ से सबको, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जैसे हम लोग यहाँ पे हंस रहे थे और आप लोग को मुस्कुरा रहे थे, वैसे सब हंसें और ऐसे ही तफिया करते रहें। तो ईद मुबारक। ईद मुबारक। अरे जाज रहे, अरे मैं कहाँ रह गया भाई। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, दोबारा दोबारा ईद मुबारक। नहीं हम तो बदला लेंगे ना, बदला। ईद मुबारक।